बहुत अभिनंदन। बहुत ही प्यारी विदुषी बेटी जाह्नवी जी को हमारे सभी संत महापुरुष धीरे धीरे यहाँ पर अपना आसन ग्रहण करते जा रहे हैं। सब संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए परिधि ग्रुप के हमारे सभी डायरेक्टर्स कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो एलईडी स्क्रीन के ऊपर एक खास कार्यक्रम श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए उन्होंने एक संक्षिप्त सा तैयार किया है, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। परिधि ग्रुप जीवन की जड़ों की तलाश हो या जड़ों में जीवन की एक तलाश जो सांसों से लेकर वनस्पतियों तक है, एक जीवन जो पतंजलि से लेकर अखिल विश्व में आदर्श स्थापित करता है, रोशनी जहां भी मिले ढूंढ लाए, महामिलन से बना जीवन, एक एक कण से एक एक क्षण से समेटा जिन्होंने तन मन को स्वस्थ रखने का सहज उपाय, परम श्रद्धेय आचार्य बाल कृष्ण जिनके भीतर एक गीत है जो रचना की धरती पर ज्ञान बनकर उगता है, जिनके भीतर एक गीता है जो अपने कर्म के रूप में प्रकट होता है, आचार्य पहुंचाया जिन्होंने प्रकृति को हम तक और हमें प्रकृति तक, आयुर्वेद के परम ज्ञाता, एक संत वैज्ञानिक, एक कर्मयोगी, जगत की मुश्किलों के समक्ष एक चट्टान, रचना जगत में एक बहती हुई नदी की तरह अनवरत गतिशील, एक कवि लेखक युग दृष्टा युग सृष्टा, योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव के परम सानिध्य में अपने दिव्य कर्म योग से अखिल विश्व को रोग मुक्त करने का एक अभिनव प्रयास करने वाले तपस्वी को उनके जन्म दिवस पर नमन। गूंजती रहे युगों युगों तक आवाज आपकी, धरती से उगता हुआ जीवन हर पल जीना सिखाता है और वो सीख आपसे हमें मिलती रहे। जियो कि मुस्कुरा उठे जीवन, आपको हर एक पल में सदियों की सांसें मिले। परिधि ग्रुप के सभी कार्यकर्ताओं का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, श्रद्धेय आचार्य श्री को भी पुनः वंदन है। और जड़ों में जीवन की एक तलाश जो सांसों से लेकर वनस्पतियों तक, और अभी हमारे बहुत ही ऊर्जावान और विद्वान सन्यासी पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, वो एक जागरण गीत यहां से प्रस्तुत करेंगे और बहुत ही यशस्वी स्नातक हैं उस ऋषि परंपरा गुरु परंपरा के हमारे उस, और पूरा जीवन उन्होंने पतंजलि योगपीठ और भारत सहिमान के इस अनुष्ठान में अर्पित किया हुआ है। एक बार सभी की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य स्वामी रितस्पति जी से भी मैं कहूंगा, वो भी इधर मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। पूज्य स्वामी रितस्पति जी। ओम यत्ते मध्यम पृथ्वी अच्चनाभ्यम यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः तासुनो देवीनः पवस्व माता भूमिः पित्रोऽहं पृथिव्याः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। देश के 84 करोड़ गरीब, उन गरीबों के बच्चों की जो आत्मा, उस आत्मा को विषय बना करके जिन्होंने अध्यात्म को एक नई ऊंचाई दी, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ।
पूज्य आचार्य श्री जी महाराज जिन्होंने चरक सुश्रुत धन्वंतरी और वाघ भट्ट के आयुर्वेद परंपरा को पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित किया, ऐसे पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में नमन करता हूँ। पूरे संत समाज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और जो बाहर से पधारे हुए सभी गणमान्य सभी भद्रजन वंदनीय मातृशक्ति उन सबको मैं नमन करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री जी का आज जन्म दिवस और यह आज जड़ी बूटी का जो विशेष पर्व है, थोड़ी सी बातें मैं इसके बारे में कहूंगा। हमारी सरकार ने इस विशेष प्रोग्राम में दखलंदाजी करने की बड़ी कोशिश करी, पर वो सरकार इस षड्यंत्र में वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हम सब जागरूक थे। इस देश के राष्ट्रभक्त लोग जागरूक हैं, देवी शक्तियां आज हमारे साथ में हैं, इसलिए वो ना सफल नहीं हो पाए। थोड़ी सी मैं लाइन एक कहूंगा कि ये क्यों वो सफल नहीं हो पाए कि गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वालों, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वालों, खून होगा तो उबलेगा उबाला रोकने वालों। अरे स्वामी जी और आचार्य जी तो सूरज है, अंधेरा चील कर हर रोज निकलेंगे, उन्हें तुम क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों, उन्हें क्या रोक पाओगे तुम उजाला रोकने वालों। आओ आज जागृति के अभियान में, महाजागृति के अभियान में, राष्ट्रीय अभियान में हम सब मिलकर के और पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य आचार्य श्री जी और देवी शक्तियों का हम सहयोग करें और अपने देश को पूरी दुनिया की विश्व शक्ति महाशक्ति बनाए। आइए गीत मेरे साथ गाएंगे, जागो तो एक बार जागो, जागो तो, जागो तो एक बार जागो, जागो तो। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, देश पे चारों वार दिया परिवार, जागो जागो तो, वार दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे जागे थे भगत सिंह प्यारे, ये थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, बम का धुआंधार, जागो जागो तो, बम का धुआंधार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो एक बार। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जीत गए मुगलों से बाजी, जीत गए मुगलों से बाजी, रुक गए अत्याचार, जागो जागो तो, रुक गए अत्याचार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो जागो तो। योगी वीरो जगो जगाओ, योगी वीरो जगो जगाओ, गाँव गाँव में योग सिखाओ, गाँव गाँव में करो योग प्रचार, जागो जागो तो, करो योग प्रचार, जागो जागो तो, कोई न रहे बीमार, जागो जागो तो, कोई न रहे बीमार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागने का वक्त आया है, क्योंकि कुछ लोग इस देश को लूटना चाहते हैं,
इस देश के लोगों को लूटना चाहते हैं, संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि गंगा व संतों का अपमान हुआ फिर भी हम खामोश रहे, गंगा व संतों का अपमान हुआ फिर भी हम खामोश रहे, जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे। कुछ सदियों का इतिहास हमारी कायरता की गाथा है, आर्य संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिस खतरे के आगे पूरा उज्जवल भविष्य हमारा है। अरे महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो योगियों हिंदुस्तान। इतनी धीरे से बोलोगे तो काम ही चलेगा, आवाज में दम लाओ ताकि पता चले हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से भगत सिंह ललकारा है, दूर हटो देश के गद्दारों, ये हिंदुस्तान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता के वंदे। तो हमारे विद्वान सन्यासी के लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वामी गणेशानंद जी के लिए। और मैं पूज्य हरिवल्लभ स्वामी जी महाराज जी से कहूंगा आगे का, पूज्य स्वामी हरिदास स्वामी जी पर, पूज्य हरिदास वल्लभ स्वामी जी महाराज और हरिवल्लभ दास स्वामी जी का हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है, जितने दिन से हम हरिद्वार में उतना पुराना रिश्ता है। और आज सब संत महापुरुषों के साथ हम यहाँ अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं कि पूज्य श्रद्धे आचार्य श्री बाक्ष जी को अपना आशीर्वाद देने, उनको अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए आज हजारों हजारों संत महापुरुष मंच पर और नीचे हमारे विरक्त सभी सन्यासी और तपस्वी महापुरुष विराजमान है। एक बार सबका हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। और जूना अखाड़े के हमारे पूज्य श्रद्धे स्वामी श्री महंत स्वामी विनोद गिरी जी महाराज जी से कहूंगा कि आशीर्वाद के दो शब्द वो यहाँ से सबके लिए संप्रेषित करें और अपने प्रासंगिक उद्बोधन के द्वारा सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी जी महाराज, हरिओम। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम प्रमादरणीय मेरे पूज्य संतों, क्योंकि सभी संतों का मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आप सभी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परमादरणीय भक्तों एवं पतंजलि योगपीठ परिवार के शुभ चिंतकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। जब बालकृष्ण, जिनका जन्मदिन मनाया जाता, आपको पता होगा कि बालकृष्ण ने ही तो कंस को मारा था, जिस कंस ने इस धरती के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए थे, जिसने कन्याओं का वध किया था, एक निर्दोष कन्या जिसका अभी जन्म हुआ है और उसको जन्म लेते ही जिसने पृथ्वी पे पछाड़ कर मार दिया, और भी उससे पहले उसके भाइयों का वध किया, संतों के ऊपर पाप और अत्याचार किए। उस दुष्ट ने कभी ये नहीं सोचा कि तेरा क्या हाल होगा, उसका इतना अहंकार बढ़ गया कि वो इंसान को इंसान मानने से मना कर दिया। उसने उसी दुष्ट को मारने के लिए इस भारतवर्ष में हमारे बाल भगवान श्री बालकृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने बाल्यावस्था में जाकर के उस कंस का वध किया। और उसके बाद आप सभी को पता होगा कि धुरु भगत 5 साल की अवस्था में जिसने भगवान के चरणों में अपना समर्पण किया, उसी दुष्ट ने उसी भक्त को मारने के लिए उसके स्वयं पिता जो जन्मदाता था उसी ने अपने बच्चे के ऊपर इतने कहर ढाए जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। परमादरणीय मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों एवं संतों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये दुरु भगत
आज अपने सत के ऊपर अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, उसी द्रवगत के मारने के लिए ये हिरणाकुश और हिरणाकुश की औलाद, उसकी संतान उसके ऊपर प्रहार कर रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक प्रह्लाद भगत ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और जनता उससे मिलते मिलते मिलती रही। उसके गुरुओं ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वो गुरु जो थे हिरणाकुश के द्वारा दिए हुए गुरु थे, वो प्रह्लाद के अपनाए हुए गुरु नहीं थे। इसीलिए प्रह्लाद ने उनकी किसी भी बात को नहीं मान करके और जो अपनी परंपरा थी उसका पालन किया। आज हमारे परम पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी जो कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया को विदित है कि ये जो कर रहे हैं इनका अपना कोई मसला नहीं है, इनका अपना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सर्वर तरवर संत धन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण और ये चारों धारे दे। संतों का जन्म तो केवल परमार्थ के लिए होता है, लेकिन स्वार्थी लोगों को परमार्थी व्यक्ति उस लगता। इसीलिए ये चोर हैं और इनको ये संत जो हैं ये समाज के चौकीदार हैं। चोरों को चौकीदार पसंद नहीं होते। इसीलिए मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम पूरे देश के प्रति समर्पित हैं। पूरे देश का बच्चा बच्चा हमारा अपना परिवार है और उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो हम उसके साथी हैं और रामदेव हमारे मार्गदर्शक हैं। बालकृष्ण जी हमारे परम पूजनीय बालकृष्ण जी, जिन्होंने जड़ी बूटी की दुनिया में तहलका मचा दिया है, विदेशों में जाकर के जिन्होंने भारतीय संस्कृति और शास्त्र दोनों का प्रचार किया, ऐसी महान विभूति को दबाने की जो चेष्टा की जा रही है, वो कुचाल जो की जा रही है, आपको जागना होगा और आपको आगे आना होगा। यदि इसी प्रकार से आप डर करके अपने अपने घरों में छुप करके और अन्याय को सहते रहे तो ये ज्यादा दूर नहीं है वो दिन के, शीघ्र ही ये कुर्सी के जो भूखे हैं ये इनको जो है केवल कुर्सी दिखाई देती है, क्योंकि हमारा भारत 900 साल गुलाम रहा है, कुर्सी से दूर रहा है। इन्हें कुर्सी के सिवाय ना ही तो अपना देश दिखाई देता है और ना ही अपना परिवार दिखाई देता है। ऐसी महान इन विभूतियों को मैं ये कहता हूं कि आप जो है यदि सबक नहीं सिखाएंगे, इन जो ये हठ योगी हैं, ये बड़े बड़े जो अपने दुराचार के ऊपर हठ किए हुए खड़े हैं और जो इतना हठ किए हुए हैं जिन्होंने अपने देश को नजरअंदाज कर दिया है, आप मानते हैं, आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि रोज रोज नए घोटाले सामने आते हैं और घोटाले आते हैं सामने तो आप कैलकुलेशन करके देखिए, वही महान विभूति है जो इस देश के संतों को दबाने की चेष्टा कर रही है। मैं ऐसे उन प्रभुत्व वाले व्यक्तियों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रकार के करने से आपकी छवि डाउन हो रही है, यदि आप अपनी छवि को पुनः लौटाना चाहते हैं तो आप भी आइए हमारे साथ मिलकर के, हमारे कदमों से कदम मिला करके चलिए, हम आपकी सभी गलतियों को माफ कर देंगे और हमको हम आपसे निमंत्रण देते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपने जो गलतियां की हैं, हम तो संत हैं, अक्षमा वीरस्य भूषणम हमारा नारा है, आपके हम सभी अपराधों को माफ कर सकते हैं। यदि आप अभी भी अपनी गलतियों को मान करके अपने रास्ते पे आ जाते हैं तो, अन्यथा आप नाना प्रकार के भय दिखा करके जो हमें दबाने की चेष्टा कर रहे हैं ये आप बहुत बड़ा घोर अपराध कर रहे हैं, चाहे लोग बोले या ना बोले, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जो हो रहा है संतों के साथ, जो देश के साथ हो रहा है, जो हमारे भारतवर्ष में जितना ये अपराध हो रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को एक दिन खत्म करना होगा, क्योंकि ये अन्याय जो हो रहा है हम सबके ऊपर हो रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग एक साथ एकजुट होकर के स्वामी रामदेव जी का साथ देने की कोशिश कीजिए। जैसे लोग भटक रहे हैं, मैं देख रहा हूं जब से ये सरकार पीछे लगी है बहुत से लोग अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, अपना धूम दबा करके जो कायर थे वो भाग रहे हैं, लेकिन मैं उन कायरों से भी कहता हूं कि आप डरो मत, डरने की कोई बात नहीं, जब रामदेव जैसा प्रह्लाद
हमारे साथ है तो हिरणा कुश की क्या औकात है। इसीलिए मैं स्वामी बालकृष्ण जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए और आप सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय गंगा मैया। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज को। और उन्होंने कहा कि इस युग के जो कंस और राक्षस है उनका वध करने के लिए और इस धरती को के ऊपर देवत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए हमारे आधुनिक बालकृष्ण को एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे का मंच संचालन करने के लिए मैं हमारे पूज्य श्रद्धे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जो वेदनी केतन से हैं, आपने जब आप उधर ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है पूज्य स्वामी जी महाराज का और पतंजलि योगपीठ के इस दिव्य अनुष्ठान के प्रति उनकी पूज्य महाराज जी पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी से कहूंगा कि वो आगे का मंच संचालन करें और एक बार पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी का भी पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बोलो गंगा मैया की। अभी अभी आपने हमारे परम आदरणीय श्रद्धा पूज्य पंचदश नाम जूना खाड़ा के श्री महंत पूज्य महंत विनोद गिरि जी महाराज का यशस्वी तेजस्वी भाषण श्रवण किया। किस प्रकार से आज के इस बदलते हुए युग के एक परिवेश में महापुरुषों के अंदर आज स्वामी रामदेव जी एक रामदेव नहीं है। इस मंच के ऊपर जितने भी ये संत बैठे हैं और हमारे सामने जितने विरक्त महापुरुष बैठे हैं, ये सारे ही सारे स्वामी रामदेव जी का एक अंग है। आधी रात को भी सारे महापुरुष स्वामी रामदेव जी की एक आवाज के ऊपर हाजिर हैं। मगर इस देश का दुर्भाग्य, यदि कोई व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के बाद मैं समझता हूं भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों की मशाल लेकर के भारत में ही नहीं अब तो पूरे विश्व के अंदर एक राष्ट्रीय धर्म ध्वजा को फहराने का जिसने संकल्प लिया, कुछ ऐसे लोग जिनको यह बात सहन नहीं होती, जिनकी रोटियां ही भ्रष्टाचार पे सिकती हैं, जिनकी रोटियां ही दो नंबर पे सिकती हैं, ऐसे लोगों को वो बात सहन नहीं होती। मैं क्या कहूं, वो लोग इन संतों को आज कुछ का कुछ कह रहे हैं। जिसकी नजरों में हरा चश्मा लग जाता है उस व्यक्ति को हरा ही नजर आता, हरा नजर आता है। इन श्रावण के गधों को आज इन संतों के भीतर भी त्रुटियां नजर आने लगी हैं। मैं बता देना चाहूंगा, रामचरितमानस का आपको छोटा सा एक घटना सुंदरकांड के माध्यम से कि जब हनुमान जी महाराज लंका के भीतर जाने लगे, उनको लंकणी ने रोका कि ऐ चोर तुम कहां जा रहे हो। हनुमान जी महाराज ने लंकणी को कहा कि ऐ लंकणी, तू मेरे को चोर कह रही है, मैं तो शांति रूपी सीता की खोज करने जा रहा हूं, तू मेरे को चोर कह रही है, सबसे बड़ा चोर तो तेरे भीतर बैठा है, उस चोर को कवर कर रावण को। और जब हनुमान जी ने उसको माता कहा, वो नहीं मानी, तो हनुमान जी ने जानते हो क्या किया। हमारे बीच में मातृ सदन के परमाध्यक्ष परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। गंगा रक्षा के अभियान में पूज्य हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज, इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके गंगा जी को भी जिन्होंने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाया, उनका भी यहां पे इस मंच पे आगमन पे हार्दिक वंदन अभिनंदन। तो मैं बता रहा था, जिस लंकणी ने हनुमान जी को चोर कहा, जब वो प्यार से नहीं मानी, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और क्या कहा, मुष्टिका एक महाकपि हनी, रुद्रप मत धरनी ढनमनी। उस लंकणी के एक मुक्का लगा, गंदा रक्त बह गया,
लंकड़ी का गंदा रक्त निकला तो लंकड़ी विरक्त हो गई। आज याद रखना साथियों, जो लोग भी इस पंडाल में बैठे हैं और इस चैनलों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, जिन लोगों के अंदर पाप का गंदा खून जमा हो चुका है, भ्रष्टाचार की कमाई का खून जमा हो चुका है, स्वामी रामदेव जी हनुमान है, हम सब लोग सेना बन करके उनके पीछे चल करके उन लकड़ियों के अंदर से अपने ज्ञान का प्रहार करके, ईमानदारी का वो करके, गंदा रक्त निकाल करके एक राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार से रहित एक ऐसे राष्ट्र को पुनः जगत गुरु पद में प्रतिष्ठापित करेंगे। अधिक कुछ ना कहूंगा, बहुत सारे महापुरुष यहां विराजमान है, हमारे संत मंडल आश्रम से पूज्य महाराज राम मुनि जी महाराज विराजमान है, हमारे पंचायती खाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज विराजमान है, अमृतसर में भी आपका बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, और हमारे स्वामी विनोद गिरी जी महाराज और गीता विज्ञान आश्रम से हमारे पंचायती खाड़ा महानिर्वाणी के पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज यहाँ विराजमान है, और भी बहुत सारे महापुरुष यहाँ पे, हमारे पंचायती आवाहन अखाड़ा के सचिव महंत शिव शंकर गिरी जी महाराज विराजमान है, उनका भी इस मंच पे हार्दिक वंदन अभिनंदन, और हमारे साथ इस समस्त कार्यक्रम में जो साथ रहे गंगा भक्ति आश्रम से पूज्य स्वामी कमल स्वरूप जी महाराज और पूज्य पार्षद स्वामी पंचदेवानंद जी महाराज और बहन रमा योगी जी महाराज, हमारे संत समिति के अध्यक्ष हरिद्वार के स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी महाराज, श्री योगेश्वर जी महाराज, पूज्य स्वामी रघुनाथ स्वरूप जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्स्वरूप शास्त्री जी महाराज, कृष्ण स्वरूप शास्त्री जी महाराज यहाँ पे विराजमान हैं, और हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के भी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के पूरे पंच के महंत और हमारे पीछे जूना अखाड़ा के थानापति भी यहाँ मौजूद हैं। सभी महापुरुषों का, जहां तक मेरी यदि दृष्टि नहीं भी जा रही, क्षमा याचना के साथ जिनका नाम लेना भूल रहा हूं, सभी का इस पतंजलि योग पीठ के तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको पता है, आज हमारे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के जन्मदिन की पावन बेला पर ये जड़ी बूटी दिवस के रूप में जो कि मनाया जा रहा है, और एक विराट संत सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है, सभी महापुरुषों से अनुरोध कि समय सीमा के अंतर्गत अपना वक्तव्य देंगे, केवल एक दो मिनट के लिए स्वामी माधवानंद जी महाराज जगदीश कोटी से अपना वक्तव्य देंगे। हरिओम। भद्रं करुणे भी शृणुयामि देवा, भद्रं पश्येमाक्षिभिः यत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टो वाग्भं सस्तनोभिर्यशो महीदेव हितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गंगा माता की, गीता माता की, स्वामी रामदेव की, स्वामी बालकृष्ण की, संत समाज की, हर हर महादेव। आज बड़े विनोद का समय है, प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय वंदनीय प्रातःश्रेणी परम पूज्य सभी संत महापुरुष, विद्वत वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोतागण, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहने, ये कितना सुंदर योग शिविर स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने यहां लगाया, एक जंगल में मंगल कर दिया। इनकी अपनी सोच, एक व्यक्ति अपने पेट के लिए कमाता है, अपने घर के लिए सोचता है, अपने जीवन के लिए सोचता है, और इनकी सोच में कितनी महानता छिपी है कि पूरे राष्ट्र के लिए सोच रहे और पूरे विश्व के लिए सोच रहे कि सारा विश्व निरोगी बने, सारा विश्व स्वस्थ बने और सारा विश्व का विकास हो और सारे विश्व में शांति हो, आर्थिक विकास हो, धर्म का विकास हो, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, शांति का विकास हो, समाज का विकास हो। और जिनकी इतनी बड़ी सोच और उस सोच के साथ वो जब चले दिल्ली के लिए, तो हमारे राजनेताओं ने
इनके बारे में क्या कहा जाए। हाँ, बड़े घृणित और बड़े निंदनीय शब्दों में उनके लिए कहा जाएगा कि ऐसे महापुरुष के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया कि जितनी निंदा करी जाए थोड़ी है। लेकिन एक ध्यान रखना, यतो धर्मो तथा जयः, जहां धर्म होता वहां विजय होती है, और जहां अधर्म होता है वो थोड़े दिन रहता है और बाद में समाप्त हो जाता है। महाराज धर्म के साथ चल रहे हैं, धर्म को लेकर चल रहे हैं। आज इनके पास अगर संपत्ति है तो आज अभी मुरारी बापू कथा हुई थी तो सारे हरिद्वार के कोई एक संत नहीं छूटा था, सभी संत यहाँ आए भंडारे में। सारी इन्होंने अपने बनी हुई फैक्ट्रियों की औषधियाँ, आंवला और जड़ी बूटी और जो जो सामान था, वस्त्र आदि संतों को भेंट किया, दक्षिणा दी और बड़ा खुश हुए। परोपकाराय सतम विभूतया, हमारे संतों के पास संपत्ति होती परोपकार के लिए होती है। उस दिन से आज तक यहाँ दो तीन लंगर चलते हैं, एक रविदास लंगर है, दो तीन लंगर हैं, 10,000-20,000 नित्य लोग भोजन करते हैं, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं। और सबको यहाँ निशुल्क व्यवस्था है कि भाई रोगी हो तो दवा भी लो और चिकित्सा भी कराओ, इलाज कराओ। कहीं भारतवर्ष में इस सरकार ने जो दुनिया की ढीक ही मारता है, पेरेलियामेंट में इतना बड़ा खर्चा होता है नित्य प्रति, तो वहां क्या करते हैं, बैठ के झगड़ा करते, झगड़े। कोई देश के विकास के बारे में नहीं सोचता, लौटने के बारे में सोचते हैं कि इस पे पैसा बढ़ा दो इतना बचा लेंगे, इस पे बढ़ा दो इतना बचा लेंगे, और लोगों के सामने झूठे वायदे। हाँ, अब हमारा रामदेव के यहाँ इतना खर्चा हो रहा है कि इतने लंगर चल रहे हैं, इतना इलाज चल रहा है, शायद किसी सरकारी हॉस्पिटल में कितना बड़ा अस्पताल, चाहे अपोलो हो, चाहे ओखला हो, चाहे कोई बड़ा हो, इतना मरीज और इतना व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। पहली बात तो जाओगे तो वहां धक्के खाने पड़ेंगे, बातें ही नहीं करेंगे, कहीं पहचानते ही नहीं, जाओ यहाँ कोई तुम्हारी जरूरी नहीं, पहुंच भी जाओ तो आपको खटमल खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, जल्दी कोई बातें ही नहीं करेगा, और करेंगे तो दवा नहीं देंगे, इलाज नहीं करेंगे। और यहाँ हमारा तत्काल, हाँ, सेकेंड में, मिनटों में लो, हाँ, फटाफट चेक किया और दवा लिखी, दवा लो, आराम से रहो, भोजन करो, दो बार करो, तीन बार करो। अब ऐसे महापुरुषों के बारे में हम, महाराज, ऐसी गलत सोच दुष्ट लोगों की, ये बड़ी निंदनीय है। आज का जो दिवस है नागपंचमी है, हमारे बालकृष्ण का जन्म तिथि है, जन्मदिन। अभी बड़ा विवाद चला जन्मदिन के ऊपर, कब का जन्मदिन है, कैसा, कहाँ का, कैसे, ये सब फालतू की बातें। अरे तुम्हारा हमारे से क्या मतलब, हमारा कब जन्म हुआ कब नहीं हुआ तुम्हारा इसमें क्या अधिकार है, है? हर व्यक्ति जन्मता है अपना, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे अस्पताल में, चाहे अपने यहाँ, चाहे दूसरे रिश्तेदारी में। अब इसके ऊपर तुम खोज करो, सीबीआई लगाओ, जांच कराओ, ये तो बड़ा दुष्टता का काम है, घृणित काम। अब इन्हीं से पूछा जाए कि जो पेरेलियामेंट बैठे इनका कहाँ जन्म हुआ, घर में हुआ, बाहर हुआ, तो इनसे जवाब मांगा जाए तो बिल्कुल गलत है। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष में हम बालकृष्ण के लिए बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जड़ी बूटियों के बारे में उत्सव मनाते हैं, जड़ी बूटियाँ हरियाली, मतलब महीना है सावन का, और इसमें सब वनस्पतियाँ खिली हुई हैं, मस्त हैं, खुशहाल हैं। तो आज के दिन जड़ी बूटियों के उपलक्ष में यहाँ बड़े बड़े वैद्य लोग आए होंगे, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, उस उपलक्ष में इन्होंने उत्सव मनाया। और स्वामी रामदेव के लिए मैं बहुत शुभकामना करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इनके साथ कोई संत नहीं, केवल राजेंद्र दास हैं। मैं वायदा करता हूँ हरिद्वार का एक एक संत इनके साथ है, और हरिद्वार का नहीं, वृंदावन का, अयोध्या का, वृंदावन का, और देश का, विदेश का, और सब भगत सब इनके साथ हैं। हमारा तो देश धर्म परायण है, जो धर्म की बात कहता है उसके सब जनता साथ होती है, और जो धर्म की बात नेता वो सब छोड़ देते हैं। तो ज्यादा ना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हैं और आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिवस पे आपने अपनी शुभकामना मंगल आशीष प्रदान किया। आशा है सारा संत समाज इसी प्रकार से इस प्रतिष्ठान के प्रति अपनी इसी प्रकार से मंगल कामना सद्भाव बनाए रखेंगे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे संत समिति हरिद्वार के अध्यक्ष स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती जी महाराज समय सीमा के अंतर्गत अपने विचार रखेंगे। अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं मातृशक्ति पीठ हरिद्वार से
उनके प्रतिनिधि के रूप में इंद्र मोहन मिश्रा जी और पंचायती खड़ा पड़ा उदासीन के सभी मुकामी महंत पूज्य मोहनदास जी महाराज के साथ पधारे हैं। पूज्य स्वामी प्रेमदास जी महाराज, स्वामी जयेंद्र मुनि जी महाराज, स्वामी दामोदर शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज, पूज्य स्वामी दामोदर दास जी महाराज, पूज्य स्वामी ब्रह्म मुनि जी महाराज, पूज्य स्वामी दिव्यांबर मुनि जी महाराज और हमारे टेऊराम संप्रदाय प्रेम प्रकाश आश्रम से हमारे साई जी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन। और अभी अभी हमारे बीच में पधार रहे हैं जुगत निवास के परमाध्यक्ष परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज, उनका भी यहाँ पे हार्दिक वंदन अभिनंदन। और भी बहुत सारे महापुरुष यहाँ पे विराजमान हैं, पूज्य महामंडलेश्वर वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हमारे हरिद्वार के जिनको पितामह के नाम से हम जानते हैं, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल मुनि जी महाराज और कमलदास कुटिया के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी ओमानंद शास्त्री जी महाराज यहाँ पधारे हैं, पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज। एक दो मिनट के लिए। देहं चदा परिभवं नवाभिष्ट दोहं तीर्थात् पदं च विरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्दिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्, वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंच पर उपस्थित योग ऋषि रामदेव जी महाराज एवं पूज्यपाद बालकृष्ण महाराज एवं मंच पर बैठे समस्त महापुरुष संत महामंडलेश्वर वृंद सभी के चरण में कुटिया प्रणाम करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराने वाले स्वामी रामदेव जी ने इस जन जन के प्रति जो योग के प्रति आस्था जगाई है, घर घर में, गांव गांव में, गली गली में योग की जो कक्षाएं लेकर के, योग के शिविर लेकर के घर घर में जो अलख जगाई है वो सबको विदित है। फिर भी ये 4 तारीख से और आज तक जो हमारी भारत सरकार पूज्यपाद रामदेव के प्रति जो भी प्रक्रिया चला रही है संतों को असहनीय है, संत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब जब इस देश में संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, आस्था के प्रति अनाचार और दुराचार हुआ है, तब तब किसी न किसी रूप में राम अवतार या कृष्ण अवतार प्रकट हुआ है। ऐसे ही पूज्य स्वामी रामदेव जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज प्रकट हुए हैं। यदि सरकार या हमारे संत समाज में कुछ दुष्ट संत महाराज श्री के पीछे पड़े हुए हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के द्वारा कि वो सुधर जाएं, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा वो खुद ही समझ सकेंगे। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जो कि आयुर्वेद के पर्याय हैं, उन्होंने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इस देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो संत हो चाहे वो असंत हो, सभी को स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये आश्वासन देता हूँ इस मंच के द्वारा कि आचार्य बालकृष्ण के साथ एक आचार्य बालकृष्ण नहीं है, संपूर्ण भारत का प्रत्येक व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण के रूप में खड़ा है, उनका सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर एवं सरल शब्दों के द्वारा अपने विचार आपके समक्ष रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे परमादरणीय श्रद्धेय श्री विनोद जी महाराज, केवल एक मिनट के लिए। बहुत से महापुरुष हैं जिनका हमने आशीर्वचन लेना है, और भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत बैठे हैं जिनका भी सबका मन है आचार्य जी के प्रति अपने बधाई देने के लिए। और अभी हमारे बीच में रानी गली सत्य सूर्य निकेतन से पूज्य महाराज श्री जी बधारे हैं महापुरुष द्वय, उनका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन। पूज्य विनोद जी महाराज, एक मिनट के लिए। परम श्रद्धे मंचासीन समस्त संतों के चरणों में बंदन के पश्चात, सबको ज्ञात होगा इस मंच से हम ये चेतावनी उन लोगों को देना चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी या जो तानाशाह लोग हमारे परम श्रद्धे
बालकृष्ण जी को बाल समझकर, बालकृष्ण समझकर अत्याचार करना चाहते हैं। हम उन्हें यहाँ से ये संकेत देना चाहते हैं कि बालकृष्ण जी युवा हो गए हैं, बालक समझ के प्रहार करने का प्रयास कदापि ना करें। इतिहास गवाह है, जब जब इस देश में अधर्म बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है, पहले राम के रूप में फिर कृष्ण के रूप में। ये हमारा सौभाग्य है कि राम और कृष्ण दोनों आज इस युग में अवतार ले चुके हैं। भ्रष्टाचारियों का क्या होगा, ये सोचने की विषय की बात है। मुझे एक मिनट का समय दिया गया है और मैं समझता हूँ लगभग एक मिनट पूरा हो ही गया होगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई देते हुए सभी संतों के चरणों में वंदन के बाद जय हिंद जय भारत। गागरे में सागर थोड़े में बहुत, स्वामी विनोद जी महाराज ने अपने विचार प्रकट किए। बहुत बड़ी सेना है महाराज जी के पीछे, सामाजिक सेना एक बनाई है इन्होंने जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब मैं इस कड़ी में निवेदन करूंगा, परमादरणीय हमारी गुरु कृपा कुटीर से पधारी हुई, जो तन मन से हमारे साथ किसी भी कार्यक्रम में हो सहयोग देती हैं, उनकी भी इच्छा करने लगी महाराज जी चाहे एक मिनट का समय दो। बहन जी आ जाओ जल्दी माइक के पास, समय का अभाव, घड़ी बहुत जल्दी आगे भागती जा रही है। बहुत से महापुरुष यहां पधारे हैं, हमने सभी का आशीर्वचन उनका अनुमोदन लेना है। तो एक मिनट के लिए हमारी बहन रमा देवी जी गुरु कृपा कुटीर की परमाध्यक्षा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की। आदरणीय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर, सब संतों के चरणों में वंदन। कहने का इतना है स्वामी जी के आपके साथ हम सब है, कोई ऐसा स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ऐसा ना समझे कि हमारे साथ कोई नहीं है। आज भारत के 15 लाख संतों आज आपके साथ है महाराज जी। और जैसे बताया कि कृष्ण भगवान का अवतार हुआ कंस के मारने के लिए, तो ऐसे स्वामी जी ये लोग भले विद्रोही हमारे लिए केंची का काम करते हैं, लेकिन हम लोग सुई का काम करके सबको जोड़ के और पूरा 14 लोक में डंका बजा देंगे। स्वामी जी आप जरा भी कोई मन में ऐसा नहीं रखना कि हम आपके साथ नहीं है, और बस हम आपके साथ ही है। और ये जब अनशन का जब कार्यक्रम हुआ, तो 7,500 माताएं आज गुजरात में अनशन कर रही थी, उसमें से अनशन अभी 3,500 माताएं अभी पण अनशन जारी रखा है कि हम हमारा कार्य करके रहेंगे, भारत स्वाभिमान आंदोलन चलाते रहेंगे और हम सुई का काम करते रहेंगे। स्वामी जी बस हमको इतना ही कहना था, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, और जाऊं कहां तजी परण चरण तुम्हारा। इसलिए हमको एक ही बात कहनी है कि स्वामी जी हम आज जहाँ जावा जरूर पड़ेगी वहाँ सुई के जैसे हम निकल जाएंगे, चाहे पानी का घड़ा भरा है लेकिन सुई के जैसे हम अंदर डुबकी लगा के सब रोग निकाल देंगे। और जड़ी बूटी है हमारा जीवन बनाती है, और वैसे भी बालकृष्ण महाराज जी वैसे तो समझो तो अजन्मा है, कोई जन्म है ही नहीं, लेकिन अजन्म का जन्म है। आज उस जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं, और अजन्मा व्यक्ति क्या क्या काम नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसकी आज हम दुआएं लेते रहें और संतों और महामंडलेश्वरों को चरणों में प्रणाम करके, स्वामी जी हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना ही बहुत है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों के द्वारा बहन जी ने अपने भाव व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी मंच पे पधारे हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जिन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे बाल कथा व्यास, जो कि प्रारंभ से ही हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जिनका एक हृदय अपना मानते हैं स्वामी जी महाराज को, हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं, उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत करेंगे। उनके साथ ही पधारे हैं हमारे जयदेव आश्रम से पंचायती खाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी जयदेवानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी, आज प्रातःकाल निजातम प्रेम धाम नंगली बेला के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज यहाँ 10 बजे पधार गए थे, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई आचार्य जी से, तो वो अपना पुष्प कुछ भेंट करके गए। उनका भी मेरे को फोन आया कि महाराज जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आचार्य जी के प्रति भी मेरा आप शुभकामनाएं व्यक्त करना। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, केवल 2 मिनट के लिए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज, वे भी अपना मंगलमय उद्बोधन प्रदान करेंगे। हमारे हरिद्वार गरीबदासी आश्रम के और अखिल भारतीय गरीबदासी परिषद के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज। ओम विश्वानी देव सविचर दुरितानी परा शुभ यद्भाद्रं तन्ना शुभ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजांसि यतपानाहि। परम श्रद्धेय हमारे पतंजलि योगपीठ के संस्थापक संचालक सुनामधन्य महामहिम योगाचार्य रामदेव जी महाराज तथा हमारे इस पतंजलि योगपीठ के जो कुलपति महोदय सुनामधन्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इस कार्यक्रम में परम सहयोगी और इस कार्यक्रम में सदा महाराज श्री के का दोनों जुगल जोड़ी के लिए समर्पित हमारे महामहिम महंत राजेंद्र दास जी तथा इस कार्यक्रम में हमारे समस्त संत महंत उपस्थित सभी महापुरुषों का यहाँ पदार्पण हुआ। कार्यम दृष्ट्वा कारण मनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जा सकता है कि हमारे योगाचार्य जी के प्रति तथा आचार्य बालकृष्ण जी के प्रति हमारा साधु समाज कितना समर्पित है, जिन्होंने हमारे योग के माध्यम से अपने गुरुदेव का और अपनी भारतीय संस्कृति का और हमारे आयुर्वेद के माध्यम से जो इन्होंने जिस प्रकार से कीर्तिमान उज्ज्वल किया है और विदेशियों के को भी प्रभावित किया है और लाभान्वित किया है, ऐसे युग पुरुष दोनों एक एक 11 होकर के और जो हमारे भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, इन दोनों जुगल जोड़ी को एक एक 11 के रूप में हम देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ दीर्घायु हो और अपने योग विद्या के माध्यम से, आयुर्वेद विद्या के माध्यम से और अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान जो अभियान के माध्यम से अपने कार्यक्रम में सफल हो। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में तो विघ्न होते हैं लेकिन युधिष्ठिर जी कहते हैं जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये शाम प्रसादात खतुल क्षणो हम यदा यदा माम विकृतिम लभंते तदा तदा माम प्रतिबोधयंती। कहते हैं मेरे शत्रु पक्ष सदा जीवित रहे, क्योंकि जैसे ही मेरा मन कहीं विचलित होता है तो मेरे कार्य आलोचना करके मेरे को सावधान कर देते हैं। इस प्रकार से इस निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु भाग्यम तथा गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नजीरा। अपने न्याय पथ से कभी विचलित नहीं होने वाले
ये जिस प्रकार से ये समर्पित है, हमारा खड़दर्शन साधु समाज के संत महंत मल्लेश्वर वृक्त मंडल सभी आपके साथ समर्पित है। अधिक समय न लेकर मैं पुनः आचार्य जी बालकृष्ण जी के इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आचार्य हमारे शंकराचार्य धर्माचार्यों से, गंगा माता से प्रार्थना करता हूँ, ये स्वस्थ दीर्घायु हो और अपने अभियान में सफल हो और सारे विघ्न बाधाओं को जो है भगवान निरस्त करेगा। संत समाज की शुभकामना आपके लिए समर्पित है। मैं भी पुनः अपनी शुभकामना दोनों जुगल जोड़ी को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही कि ये दो युग पुरुषों ने ऐसा एक योग का ये ध्वज फैलाया जो कि भारत में नहीं, भारतवर्ष की दो आत्माएं कही गई हैं, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस तथा संस्कृत और संस्कृति, भारतवर्ष की दो आत्माएं जो हैं, आपने अपने योग के माध्यम से ये भारतीय संस्कृत संस्कृति और संस्कारों की त्रिवेणी जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इस त्रिवेणी को प्रवाहित किया। योग का मतलब ही ये होता है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है तोड़ना नहीं होता है। आज कुछ लोग इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर स्वामी जी महाराज ने अपने इस योग के माध्यम से जहां जनता जनार्दन को स्वास्थ्य प्रदान करते हुए, स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्व धन स्थ, स्व का मतलब अपनी आत्मा, स्थ का मतलब स्थित, अपनी आत्मा के अंदर स्थित होकर के एक ऐसा योग करवाया कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहे और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहे। स्व का मतलब अपनी आत्मा में स्थित करना, आपने जन जन को जो इस प्रकार से स्वस्थ करके और अपने योग के माध्यम से जिसका मतलब होता है जोड़ना, आत्मा परमात्मा को जोड़ने के साथ जिस प्रकार से तन और मन दोनों को आपने अपने योग के साथ स्वस्थ किया, इस देश के समझता हूं कुछ लोग आज भी इस देश के अंदर अस्वस्थ हैं, उनको भी स्वस्थ करने की जरूरत है। अभी कुछ ना कहते हुए निवेदन करूंगा, गीता विज्ञान आश्रम से पधारे हुए हमारे पंचायती खड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्रद्धे स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, वे भी दो मिनट के लिए अपना पावन उद्बोधन प्रदान करेंगे और हमारे आचार्य जी को और पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज हरिओम। ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे सभी मंचस्थ महान पुरुष पूज्य संत वृंद, हमारे योगाचार्य जी, योग गुरु प्रिय स्वामी रामदेव जी महाराज और हमारे प्रिय भैया बालकृष्ण जी के इस जन्म दिवस अवसर उपलक्ष्य में हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो यत्र तत्र भारत भारती का जैसा झंडा फहरा रहे हैं उसी प्रकार फहराते रहें। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग जन्मनाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षयन् पृथिव्यां सर्व मानवा। और जीत हमारी होगी, क्यों? बहुमत सदा पराजित हुआ, पांडव पांच थे, हम संत लोग कम हैं संख्या में और दुर्दांत दैत्य अधिक संख्या में हैं, लेकिन नास्तो विद्यते भावो, ये भगवत वचन है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्दृष्टो अंतस्तुनयोस् तद्दर्शवे। हे अर्जुन, अभिनय नाशवान, अविनाशी का कभी नाश नहीं होता और बहुमत का तो काला कलेजा फ
फट जाता है, ऐसा वो दिन आने वाला है कि भारत भारती का डंका हमारे वर्तमान में है। हनुमान जी का आपने सबको साधुवाद दिया है, हमारे आचार्य गुरु को, तो भैया अधिकतर से अधिकम इन्हें बल प्रदान करें, हमारी सबकी अंतर भावनाएं उनके साथ हैं और सब तैयार है पांडव दल। अब विजय सत्य की होगी, ये तो धर्मस ततो जयाहा। लेकिन एक बात मैं प्रेरणा ये करता हूँ कि भाई जो हमारा अभी कुछ अपमान भी हुआ हमारे रामदेव जी को अनावश्यक दुर्दांत लोगों ने परेशान भी किया, वो हमको सबको हार्दिक पीड़ा हो रही है। जब संतों को पीड़ा होती है तो माता को जैसे उदर में हम लोग होते हैं प्रसव पीड़ा में दर्द होता है, उसी तरह जब संत सताए जाते हैं संतों के दर्द होता है तो अनंत प्रकट हो जाता है। यदा यदा धर्मस्य ज्ञान भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाए संभवामी युगे युगे। आज दो मिनट का समय है तो मैं यही कहूंगा, चार पांच तरह की चिकित्साएं हैं, मंत्र चिकित्सा और देव चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मानव चिकित्सा और अंग्रेजी ये दानव चिकित्सा है। हमारे रामदेव जी दानव चिकित्सा को भारत से निष्कासित कर देंगे, मुझे पूर्ण आशा है। मैं यही सब उम्मीद करते हैं कि भैया ये दानव चिकित्सा जितना है ये भारत से मुंह दबा करके भाग जाए और हमारी आयुर्वेदिक वैदिक है जो मानव चिकित्सा है, देव चिकित्सा है, ये ग्रह ग्रह क्षेत्र क्षेत्र और देश देश में व्याप्त हो जाए। इस मंगल कामना से आज बूटी जड़ी बूटी दिवस है भैया, तो इस प्रकार ये हमारी मानव चिकित्सा के प्रतीक हमारे श्री आचार्य बालकृष्ण जी हैं। अब ये बालकृष्ण नहीं है, अब ये बड़े हो रहे हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मैं सुमंगल कामना करता हूँ, अनंत प्रभु से सुमंगल प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बालकृष्ण जी दीर्घजीवी हों और यत्र तत्र सर्वत्र भारत भारती का झंडा फहराएं, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, ओ भव्य भारत वर्षनी, ये भारती है भगवते सीतापते सीतापते गीता मते। ऐसे में अनेक सुमंगल कामनाओं के साथ आचार्य श्री को और भाई योग गुरु जी को यही प्रार्थना निवेदन प्रभु से अनंत परमात्मा से करता हूँ कि भाई ये तंदुरुस्ती मंदुरुस्ती और बुद्धि की परिष्कृता प्रदान करें, उत्तरोत्तर भारत माता की सेवा करते हुए महाराज सबको भारत का जंका विश्व में बजा दें। ये सुमंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम। पूज्यपाद श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी महाराज ने अपना पावन उद्बोधन दिया, आचार्य जी के प्रति, पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति, इस संस्थान के प्रति आपने अपनी मंगल कामना प्रेषित की, स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं पूज्य स्वामी केदारपुरी जी महाराज, रंगीराम आश्रम से पूज्य स्वामी जमुनादास जी महाराज और रामेश्वर धाम से पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं और भागीरथी नगर से हमारे निरंजनी खाड़ा के पूज्य स्वामी जी महाराज पूर्णानंद जी महाराज पधारे हैं और आनंद अखाड़े के भी यहाँ मुकामी महंत हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं, पूज्य महंत तारादास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, शिवानंद आश्रम से पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज विराजमान हैं, गुप्तानंद आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी सुरेशानंद जी महाराज विराजमान हैं और निर्मल सच्चिदानंद कुटिया से पूज्य संत जसवीर सिंह जी महाराज विराजमान हैं और अभी अभी पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो कि पंचायती खाड़ा महानिर्वाणी के सचिव हैं, उनकी भी दूरभाष के ऊपर बात हुई, अभी अभी पधार रहे हैं। तो इन सभी गीता कुटीर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे आदरणीय शिव कुमार जी यहाँ पधारे हैं, इन सभी महापुरुषों का इस मंच पे हार्दिक वंदन अभिनंदन। आस्था जीवन का आधार, ऋषियों का ज्ञान, आयुर्वेद की शक्ति,
हमारे अनुभव और वर्षों का अनुसंधान, पतंजलि योगपीठ का विश्वास, सुबह से शाम तक हर पल आपके आरोग्य के लिए आपके साथ, आंवला एलोवेरा जूस एवं बेल मुरब्बा आदि स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों और जीवनदायिनी जड़ी बूटियों, अष्टवर्ग व केशर आदि से निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश और भी बहुत कुछ आपके आरोग्य की रक्षा के लिए आश्रम द्वारा संचालित सभी पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध। पिटेरिया हुआ ना? पिटेरिया कैप्टन। हाँ, और इसका एक ही इलाज है, 5 दमदार अरिष्टों के मिश्रण से बना हुआ झंडू पंचारिष्ट। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों को दूर रखता है। पिटेरिया कौन? झंडू पंचारिष्ट, पेट तनातन, लाइफ तनादन। अगर इंसान मशीन है तो जाहिर है कि मशीन में दर्द कभी भी हो सकता, कंधे, कमर, घुटने, पर हर दर्द का इलाज है हिमानी फास्ट रिलीफ, जिसका फार एंड आइस फॉर्मूला दे अंदर से गर्मी, बाहर से ठंडक, दर्द मिटाए चुटकी में। न क्षेत्रों में सेवा की है ऐसे उन यशस्वी महापुरुषों का, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिन्होंने एक आदर्श कार्य किया है और जिनको हम एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है और जो प्रेरणा है हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए, ऐसे कुछ महापुरुषों के आज सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। आज आयुर्वेद गौरव पुरस्कार, पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार के साथ पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार, इनकी श्रृंखला या कुछ पल तक चलेगी अभी। और जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के लिए वर्षों तप करना पड़ता है, एक अनिष्ठ होकर के उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करना होता है, तब जाकर के कोई बड़ी घटना घटित होती है। उसके लिए निरंतर बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के और तमाम व्यवधानों के बीच में व्यक्ति एक लंबा संघर्ष करता है, तब जाकर के कोई बड़ी उपलब्धि उसके जीवन में जुड़ती है। तो आज यहाँ पर 4 महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा, उन्होंने जो विशिष्ट सेवाएं की हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं उससे पहले यह जो पूरा अनुष्ठान है इसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आज मंच पर जितने भी महापुरुष हैं उनको एक छोटा सा पत्रक दिया जा रहा है, आखिर ये काले धन का सच क्या है। हिंदुस्तान में 99% लोग लाखों से ज्यादा गिनती नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी करोड़ रुपए देखे भी नहीं है, और 84 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने लाख रुपए कभी नहीं देखे हैं। लेकिन पूरे विश्व की काले धन की अर्थव्यवस्था का एक थोड़ा सा सच इसमें रखा गया है कि भारत का ही करीब 400 लाख करोड़ रुपए काला धन है, ये तो है ही सो है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो कि 62 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें बराबर का काला धन है। और बात इतनी ही नहीं है, करीब हर वर्ष 500 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा होता है। किसी भी दुनिया के देश के पास में कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है, ये बात सबको पता है। सभी दुनिया के अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली सहित सभी देशों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, दुनिया के किसी भी देश के पास में इतना पैसा नहीं है कि दूसरों को ऋण के रूप में वो दे सके, जिसको विदेशी कर्ज कहते हैं। दुनिया के बैंकों में जितना पैसा जमा होता है, जो अपने देश के बैंकों में, बीमा पॉलिसीज में और अलग अलग प्रकार के आर्थिक संस्थानों में, शेयर मार्केट के आधार पर या और दूसरे पैरा बैंकिंग या और कोई दूसरे अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक संस्थाएं चलती हैं, वो आंतरिक ऋण के रूप में गिना जाता है, उसको इंटरनल डेट बोलते हैं। एक्सटर्नल डेट के रूप में पूरी दुनिया में हर वर्ष करीब, जो अभी के आंकड़े हैं, 5 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा होता है। मैं तो कहता हूं भारत की अर्थव्यवस्था से काला धन
और जिस दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से काला धन खत्म हो जाएगा, इस पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई अभावग्रस्त नहीं रहेगा, कोई अनपढ़। ये बहुत बड़ा काम है। ये हमको काला धन ऐसा शब्द सुन लेते हैं, आम लोगों को तो पता ही नहीं है काला धन क्या। बोले रुपए तो एक ही जैसा होता है, हमने काला नोट तो देखा ही नहीं। ये काला धन सफेद धन अब लोग थोड़े चर्चा करने लग गए, नहीं तो सब नोट तो नोट होता है, ये धन काला और सफेद क्या होता है। इस देश में से जिन लोगों ने भू संपदाएं लूट लूट करके सोना चांदी हीरे जवाहरात, अपने देश में इतना हीरा है, इतना सोना है, इतना कोयला है, इतनी चांदी है, इतनी एल्युमिनियम है, 89 प्रकार के करीब 20,000,00,000 करोड़ रुपए के, तो 10 से 20,000,00,000 करोड़ रुपए के तो नेचुरल मिनरल्स हैं अपने देश के अंदर। खैर मैं उस लंबी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये सबको पत्रक दिया जा रहा है। ये काला धन एक पूरे विश्व के अंदर दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण है। जिनके जो संपत्ति जिनकी नहीं है, लूट करके, धोखा करके, चोरी करके, देश के साथ गद्दारी करके जिन लोगों ने इस देश को नर्क बनाया है। मैंने हमेशा कहा है भारत न आर्थिक दृष्टि से कभी कमजोर था, न आध्यात्मिक दृष्टि से कभी कमजोर था, न राजनीतिक दृष्टि से। बीच में एक षड्यंत्र चला और भारत का सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक और राजनीतिक पतन हुआ। लेकिन अब इस देश के करोड़ों लोगों में पुनः स्वाभिमान जगा है। वक्त थे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10-25, मैं तो कहता हूं चाहे 50 साल पूरा जीवन लगे, एक पीढ़ी भी चाहे लग जाए और आने वाली पीढ़ियां सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं, तो भी एक पीढ़ी की कीमत भी कम है इस देश को बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है ये कालाधन, कोई छोटा काम नहीं है। ये भ्रष्टाचार को मिटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस देश की भ्रष्ट व्यवस्थाएं, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, इस आजाद भारत में भी, स्वतंत्र भारत में भी जो विदेशी तंत्र चल रहा है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा कानून, न्याय अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ स्वतंत्र भारत में जो विदेशी तंत्र चल रहा है, इसके स्थान पर स्वदेशी व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करना एक बहुत बड़ा काम है। करीब पिछले यात्रा में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का क्या हमने आयोजन किए थे। अब अगले महीने से पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और इस देश के 1% लोग हो सकता है भ्रष्टाचार से लाभान्वित हो रहे हो या वो डर से भय से इसके खिलाफ ना खड़े हो रहे हो। 99% 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग इस अभियान में साथ खड़े होंगे। आज जो केंद्र में सरकार राज कर रही है, मात्र उसको 12 करोड़ लोगों ने मत दिया है और वो भी झूठ बोल करके, उनको झूठे आश्वासन देकर के उन्होंने वो मत लिया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में भी जो केंद्र में सरकार चल रही है, मात्र उनको 12 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है। इस देश के 110 करोड़ के करीब लोग आज भी उस सरकार को नहीं चाहते। 100 करोड़ से ज्यादा इस हिंदुस्तान के लोग वक्त आने पर तख्त भी पलटेंगे, देश में सब कुछ बदलेगा। थोड़े एक वक्त के इंतजार की आवश्यकता है और काल का प्रवाह एक नई दिव्यता के साथ आगे बढ़ेगा। संघर्ष तो करना होता है, तो महापुरुषों का जो स्नेह है, प्रेम है, इनकी करुणा है, इनका वात्सल्य है, उससे हम अभिभूत हैं। ना कभी डरे थे, ना कभी डरे हैं और अंतिम श्वास तक आप सब संतों के आशीर्वाद से करोड़ों देशवासियों को साथ लेकर के हम संघर्ष करेंगे और अंततः विजय हम प्राप्त करेंगे। आप सबको प्रणाम करते हुए आगे कुछ महापुरुषों का आज जो सम्मान का कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे महामंडलेश्वर और कुछ अन्य संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन का भी एक संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। अभी आज जिन 4 महानुभावों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, उनके बारे में आगे की कार्रवाई संचालित करने के लिए हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि शा नमन करते हुए, सभी संत चरणों में नमन करते हुए, आज का जो ये अति विशिष्ट कार्यक्रम पूज्य आचार्य श्री के पावन जन्म दिवस पर, पूज्य आचार्य श्री की वह आयुर्वेद परंपरा, महर्षि चरक सुश्रुत की वो परंपरा को जो जीवंत रखे हुए हैं, ऐसे केरल में आयुर्वेद चिकित्सा का एक विशेष नाम है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आयुर्वेद को एक शिखर तक पहुंचाया, ऐसे पीवी रामा वारियर के पुत्र आदरणीय श्री पी आर कृष्णा कुमार जी हमारे मध्य में हैं। डॉक्टर कृष्णा कुमार जी का
पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पतंजलि योगपीठ अपना यह जो विशेष पुरस्कार है, जिसे पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार के नाम से नामित किया जाता है, इस पुरस्कार का चयन की जो प्रक्रिया होती है, पूरे देश भर से, दुनिया भर से नाम नामित होते हैं, जिसमें ट्रस्ट के मुखिया पूज्य स्वामी जी महाराज और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मिलकर नाम का चयन करते हैं। और इस बार का जो पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार जा रहा है, वह आदरणीय डॉक्टर पी आर कृष्णा कुमार जी को जा रहा है, जिन्होंने आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रदान की है, केरल की औषधीय चिकित्सा को विश्व स्तर पर स्थापित करने का विशेष कार्य किया है, आयुर्वेद पर रिसर्च का कार्य हो, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च जर्नल प्रकाशित करने का कार्य हो, उन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मां भारती के यशस्वी पुत्र डॉक्टर कृष्णा कुमार जी, जिन्होंने भारत चिकित्सा पद्धति को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने का एक विशेष कार्य तो किया ही, साथ में रिमेटाइड आर्थराइटिस को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, उसमें भी उन्होंने एक महती भूमिका निभाई है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि उन्हें पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार के साथ सम्मानित करें। पूज्यपाद आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह पतंजलि गौरव पुरस्कार, आयुर्वेद गौरव पुरस्कार से सम्मानित करें पूज्य स्वामी जी महाराज। डॉक्टर पी आर कृष्णा कुमार जी, उनके साथ सहयोगी श्री गोविंद कुट्टी जी आए हैं, वह भी उनका सहयोग करेंगे। डॉक्टर कृष्णा कुमार जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा आपकी ओर से अभिनंदन। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को विश्व पटल पर, पंचकर्म को सम्मानित करने वाले, आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ शोध और अनुसंधान का कार्य करने वाले, WHO ICMR के साथ मिलकर विशेष अनुसंधान कार्य करने वाले, ऐसे डॉक्टर कृष्णा कुमार जी का हम विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूज्य आचार्य श्री से भी निवेदन कि वह माल्यार्पण द्वारा डॉक्टर कृष्णा कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर कृष्णा कुमार जी से आग्रह करूंगा दो शब्द कहने के लिए। आदरणीय डॉक्टर कृष्णा कुमार जी। मोस्ट रेवर्ड एंड रेस्पेक्टेड स्वामी रामदेव जी, रेस्पेक्टेड आचार्य बालकृष्ण जी एंड ऑल द मोस्ट रेवर्ड महात्मा ऑन द स्टेज, महात्मा इन द ऑडियंस एंड ऑल द गुड सोल्स इन दिस ऑडिटोरियम, माई साष्टांग प्रणाम्स एट द फीट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑस्पिशियस एंड होली डे when Acharya Balakrishna ji is celebrating his birthday. On behalf of the entire Ayurvedic industry, I pray to Lord Dhanvantri that Acharya ji should be blessed with Ayurarogya Saukhya and should remain for many more years to give support to Swamiji and lead the Ayurvedic industry to be established all over the world. Swamiji has been fighting the evil forces, for which he needs a lot of strength, and strengthening Swamiji's hands is required by strengthening Ayurveda, which is what Ayurvedic pharmacy has been doing, which was established by my late father, and all of us receive this from Swamiji with due respects, surrendering it to the feet of the founder of our institution. We can only at this moment promise to Swamiji that we will be with him. We need all his support to establish Ayurveda as a science which is going to be the science for health in the future of the world. There are many more speakers on this occasion. I seek the blessings of all the Mahatmas on this auditorium that they should give our institution and me many more years of blessings so that we can continue to serve society through the service of Ayurveda science. Last morning, it was the greatest day in my life to go and see the great institutions built by Acharyaji and Swamiji, which I never thought any institution in India, leave alone Ayurveda, in any herbal medicine in the world, nobody could manage such an institution, 700 acres of a campus, thousands of workers, creating tons of Ayurvedic medicine of the highest purified order. I seek Swamiji's blessings that you should continue to guide us, continue to strengthen us, and
I surrender at the feet of all those who are seeking health for Ayurveda. Pranam Shri Swami Ji, Pranam Sacharya Ji. Thank you for selecting us for this prestigious award. Jai Hind, Pranam. एक बार डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से करतल ध्वनि द्वारा भावभीना अभिनंदन, स्वागत, वंदन, उनको प्रणाम है। एक बहुत लंबे अरसे से केवल इन्हीं का ही तप नहीं, एक कुल वंश परंपरा का पूरा तप इनके साथ जुड़ा हुआ है। और केवल दक्षिण भारत में ही, ये ठीक है कि हमारे उत्तर और दक्षिण भारत का कभी कभी किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के बारे में कम संपर्क हो पाता है, खास करके क्योंकि मीडिया में वो चीजें बहुत ज्यादा नहीं आ पाती, इसलिए। अन्यथा आज पूरे विश्व में कहीं पर भी यदि आयुर्वेद का नाम लिया जाता है तो उसमें दक्षिण भारत का खास नाम आता है, और उस भारत के आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने जो काम किया है, हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, केवल पतंजलि योगपीठ की ओर से ही नहीं, पूरी इस आयुर्वेद के ऋषि परंपरा की ओर से श्री कृष्ण कुमार जी का सबके ओर से बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करते हैं। यह स्वागत तो एक प्रतीकात्मक का है, एक सम्मान तो, उन्होंने जो काम किया है वो शब्दातीत है। हम उनके लिए अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। धन्यवाद। और मैं श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज, जिन्होंने हमें अपनी ज्ञान दीक्षा से हमें मार्गदर्शन दे करके आज यहाँ तक पहुँचाया, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रणाम कर। और पुरस्कारों के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कृषि गौरव पुरस्कार के लिए। एक ऐसे व्यक्तित्व का आपसे परिचय करवाना चाहता हूं जिनका जीवन तप त्याग का जीवन रहा है, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जैविक कृषि की बात हो, अनाधिकृत रूप से जो भूमि अधिग्रहण हो जाती है उसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की बात हो, आन्य भाई पीवी राजगोपाल जी जो मूलतः केरल से हैं, एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनियों से उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वंचितों के अग्रदूत, बंधुआ मजदूर मुक्ति अभियान के सूत्रधार व किसानों को जैविक कृषि के साथ जोड़ने व उनकी अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण की हुई भूमि को स्वतंत्र कराने का आंदोलन करने वाले एक ऐसे भाई जिन्होंने 1972-76 में चंबल घाटी में बागियों को आत्मसमर्पण करके भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। उस समय जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले राजू भाई उनके पुनर्वास में लगे रहे। सर्वोदय से अंत्योदय की परिकल्पना को जीवंत करने वाले आदि भाई पीवी राजगोपाल जी जो चंबल घाटी विकास हेतु और जहां नागालैंड में हिंसक आंदोलन चल रहा था उस ऐसे हिंसक आंदोलन को अहिंसा के साथ जोड़ने का कार्य करने वाले, मध्य प्रदेश में बंधुआ मुक्ति अभियान को खड़ा करने वाले, एकता परिषद के माध्यम से युवाओं को संगठित, प्रशिक्षित और नेतृत्व के गुण पैदा करने वाले ऐसे भाई जिनका मूल वाक्य है सामाजिक परिवर्तन का जन्म जन आंदोलन की कोख से ही हो सकता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन क्यों ना हो, कोई भी सामाजिक परिवर्तन क्यों ना हो, वह जन आंदोलन की कोख से ही जन्म ले सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज का जो यह जन आंदोलन चल रहा है उसमें भी भाई पीवी राजगोपाल जी दृढ़ता के साथ खड़े हैं, किसानों को साथ लेकर इस आंदोलन को अग्रसर कर रहे हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित होकर भूमि आंदोलनों को नई दिशा देने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में गांव-गांव जाकर काम करने वाले, पदयात्रा, संवाद यात्रा से वंचित समाज की आवाज उठाने वाले, उन्होंने 2001 में बिहार में, 2002 में आपने 347,000 भूमिहीन दलितों को, आदिवासियों को भूमि का पट्टा दिलवाया, 2003 में रायगढ़ में पदयात्रा करके, 2007 में सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष में 25,000 किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ दिल्ली तक की पैदल यात्रा की, और उस पदयात्रा के माध्यम से ही पीएम ने राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भाई पीवी राजगोपाल जी को आज हम सम्मानित करते हुए पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उन्हें सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव का अनुभव करते हैं। मैं पूज्य महाराज जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय भाई पीवी राजगोपाल जी का अभिनंदन कर हमारी ऋषि परंपरा को गौरवान्वित करने वाले एक सादे वस्त्र में संत भाई पीवी राजगोपाल जी का पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से पूज्याचार्य श्री
पूज्य गुरुवर आचार्य प्रद्युमन जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज अभिनंदन कर रहे हैं, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं भाई पीवी राजगोपाल जी से को आमंत्रित करूंगा कि वह 2 से 5 मिनट में अपनी बात रखें। भाई पीवी राजगोपाल जी जो आगे 2012 में भी एक जन आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, वन अधिकारों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, एक बड़ी पदयात्रा निकालने वाले हैं, भाई पीवी राजगोपाल जी। आदरणीय स्वामी जी, मैं इतने संतों को कभी एक साथ देखा नहीं हूं, न एक साथ सुना हूं, तो बहुत अच्छा लगा आज सबके साथ। और ये केरल के होकर के इतनी अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, इसलिए भी इनका अभिनंदन होना चाहिए। हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी भी, वो भी हिंदी बोल लेते हैं, लेक्चर देने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी तमिलनाडु से, केरल से, जो हम लोग उत्तर भारत में जो पैदा हुए हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद उधर हिंदी से लोग घृणा करते हैं, ऐसा मैंने कतई नहीं देखा। क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के सुदूर क्षेत्रों में मैं गया, ये तो कुछ राजनेताओं ने घृणा पैदा की थी, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदी से, हिंदुस्तान से और भारत की संस्कृति से बहुत प्यार करता है। और हमारे भाई राजगोपाल जी अपने बात। तो आज आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई बालकृष्ण जी। और मैं इस अवसर पर क्या कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जो कुछ घटना हुई, वो अच्छा हुआ खराब हुआ, उससे ज़्यादा महत्व की बात है, आपने इस देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दिया। इस देश में जो बहस स्वामी रामदेव बाबा जी ने छेड़ा है, वो मैं रोज देश के अलग अलग कोने में जाता हूं तो सुनता हूं। ये एक बहस ये छेड़ा है आपने, क्या आम लोग अपने बात को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी में, वेदर देर इज स्पेस फॉर पुअर पीपल टू से समथिंग व्हाट दे वांट टू से, आम जनता प्रजातंत्र में अपने बात को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये बहस को आपने छेड़ दिया है। क्या जब आम जनता बहस छेड़ेंगे तो सरकार इसी ढंग से व्यवहार करेंगे, या इससे अच्छे ढंग से देश को गवर्न करने की तरीका सरकार सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? और दूसरी बहस आपने ये छेड़ दिया है देश में कि ये देश चंद पूंजीपतियों का होगा या आम जनता का भी होगा। इस देश के तमाम संपत्ति कुछ लोग अपने तिजोरी में बंद करके रखेंगे, या इस देश के संपत्ति को 63 साल के आजादी के बाद आम जनता को वितरित करने के लिए, आम जनता को देने के लिए हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? ये बहस आपने छेड़ दिया है देश में। इससे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस आपने जो छेड़ा है वो है कि जब देश गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तब जनता की भूमिका क्या है? चुपचाप बैठे रहना या प्रतिकार करना? ये काम जयप्रकाश जी ने भी किया था। जब जयप्रकाश जी ने किया, आपको याद होगा कि जयप्रकाश जी के साथ भी वही व्यवहार हुआ जो व्यवहार आपके साथ हुआ, कि उनके ऊपर डंडा चला और जयप्रकाश जी को कई वर्षों तक जेल कारावास में रहना पड़ा। और जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की नारा दी इस देश के सामने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आमूल चूल परिवर्तन की बात की जयप्रकाश जी ने, और बहुत दिन बाद आपने फिर वो नारा उठा दिया। तो बहुत बधाई स्वामी जी, आपने जो कार्यक्रम किया है उसका हलचल पूरे देश में। लेकिन एक बात और कहना है मुझे कि आपने संत धर्म की बहस छेड़ दिया है। संत कौन है? सिर्फ पूजा पाठ करने वाले हैं, योग सिखाने वाले हैं, या जब आम जनता के ऊपर कहर टूटता है, आम जनता गरीब रहता है और परेशानी उठा रहे हैं रेशन कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, तब संत धर्म क्या कह रहा है? संत बाहर निकलकर व्यवस्था को चुनौती देंगे कि नहीं देंगे? तो मुझे कई बार विवेकानंद जी की बात याद आता है कि विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक एक कुत्ता भी भूखा है तब तक मेरा अध्यात्म मुझे यह सिखाता है कि कुत्ते के लिए रोटी तलाशो। बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं।
इसलिए पूरे देश में घूमते घूमते मैं आपके लिए खूब सारे बधाई बटोर के लाया हूं स्वामी जी, और मैं सिर्फ एक बात के लिए सरकार पर निरंतर दबाव बना रहा हूं, जिसमें आपका सहयोग हमेशा चाहता हूं, कि धरती मैया को बर्बाद मत करो, खेती किसानी जमीन गांव सबको बर्बाद कर रहे हैं विकास के नाम पर, गांव बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, धरती बर्बाद हो रहा है, सबको बर्बाद करके देश की विकास करेंगे ऐसा सरकार कह रहे हैं, इसलिए ऐसे विकास के विरोध में खड़ा हूं मैं, विकास ऐसे हो जिसमें सबको खुशी मिले आनंद मिले, विकास ऐसा ना हो कि कुछ लोग मालामाल हो जाए और बाकी सब लोग बर्बाद हो जाए, इसलिए इस विकास के विरोध में 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करके 2 अक्टूबर 2011 से 2 अक्टूबर 2012 तक जो बड़े आंदोलन की तैयारी चल रहे हैं उसमें आपने जो मुद्दा उठाया उसको तो उठाना ही है मुझे, लेकिन साथ साथ विकास की परिभाषा की बहस भी छेड़ना है और एक सही दिशा इस देश को देने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मैं जो सम्मान दिया हमें उसके लिए बहुत आभारी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है, आपको मैं बहुत धन्यवाद देते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। जय जगत। कुछ लोग सम्मान से सम्मानित होते हैं और कुछ लोगों के सम्मान पाने से वो सम्मान जो है वो सम्मानित होता है, तो हमारे राज गोपाल जी भाई कृष्ण जी ऐसे ही हैं जिनसे ये पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार, पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार यह सम्मानित हुआ है, और ऐसे लोगों को सम्मानित करने से एक प्रेरणा मिलती है समाज के अंदर, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसा ही हो रहा था, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु तिरस्करः तृणी तत्र वर्धन्ते दुर्भक्षं मणं भयम्, और ये हो रहा था, अब उसके स्थान पर सत्य को प्रतिष्ठापित करना। मैं तो सब महापुरुषों के चरणों में एक ही बात कह रहा हूं, इस देश के करोड़ों लोग तो इस अन्याय से इस बर्बरता से इस पाप से ये चारों ओर जो शोषण हो रहा है इससे उद्वेलित तो है ही, लेकिन उनको नेतृत्व करने के लिए एक व्यापक समाज की आवश्यकता है, ऐसे संत समाज की आवश्यकता है, ऐसे निर्भीक लोगों की आवश्यकता है जो अपना सर्वस्व बलिदान करके इस देश धर्म संस्कृति को बचाएं। और भाई राजगोपाल जी ने कहा कि संत धर्म क्या कहता है, सन्यास धर्म क्या कहता है, सन्यास धर्म यह नहीं कहता कि हम पलायनवादी हो जाएं या मात्र जड़वादी हो जाएं या पूंजीवादी हो जाएं या मात्र आलोचनावादी हो जाएं, हमारा सन्यास धर्म राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से एक सन्यासी जब तक अध्यात्म की चर्चा करता है तब तक कोई बात नहीं होती, लेकिन जब वो राष्ट्र की चर्चा करता है, पहले भी महापुरुषों ने कहा, तो ये आसुरी शक्तियां पूरी प्रबलता के साथ विरोध करती हैं, कितना ही विरोध और अवरोध आए, कितनी आलोचनाएं, कितने ही संकट संघर्ष आए, हम आगे बढ़ेंगे और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की अब फौज खड़ी होगी और हमारी आंखों के सामने ही इस भारत को हम अभ्युदय के उत्कर्ष पर देखेंगे, परम वैभवशाली देखेंगे, संकट चुनौतियां आलोचनाएं आएंगी। भाई राजगोपाल जी जो कार्य कर रहे हैं, हम हर पहले भी उनके साथ में थे, आज भी हम साथ में रहेंगे, हमने 5 संगठनों में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग, सिद्ध भारत स्वाभिमान और युवा भारत के साथ किसान पंचायत का गठन किया है कि एक किसानों को न्याय दिलाने की, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से लेकर के और उनकी जो है उनको अकुशल श्रमिक, उनको अनस्किल्ड लेबर के स्थान पर कुशल श्रमिक का, स्किल लेबर का दर्जा दिलाने से लेकर के बात समस्याएं उनका जिस दिन समाधान होगा उस दिन इस देश में कहीं पर भी भूख अभाव नहीं रहेगा। हम एक बार पुनः उनके कार्य के प्रति और उनके संकल्प के प्रति प्रणत हैं और एक बार पुनः उनका अभिनंदन, हमारे पूज्य संतों का भी पुनः बहुत बहुत अभिनंदन भाई राजकुमार जी। पूज्याचार्य श्री को समस्त संतगण अपनी शुभकामनाएं अपना आशीर्वाद देते हुए यूं लगता है मानो सारा हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में उमड़ा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सभी संतगणों के चरणों में नमन, उनको वंदन, उनको प्रणाम, और इसी पुरस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आगे पतंजलि आयुर्वेद गौरव के पुरस्कार के लिए इस बार नाम का चयन हुआ है जो पीढ़ियों से
चिकित्सा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई वैद्य श्री राम कुमार जी बिंदल, जो आयुर्वेद से MD और PhD हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई राम कुमार बिंदल जी का अभिनंदन। भाई राम कुमार बिंदल जी के सकड़ दादा, इनकी चौथी पीढ़ी में इनके दादा वैद्य श्री रामजी दास जी बिंदल, वो 1955 से आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों का, रोगियों के सेवा का कार्य कर रहे हैं। 1855 से सेवा का कार्य कर रहे हैं। इनके दादाजी वैद्य श्री आशाराम जी बिंदल, जो एक योग्य चिकित्सक होने के साथ साथ एक समाज सेवी व स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरे देश के 121 करोड़ लोगों को, देश के करोड़ों लोगों को दी हैं, जो पीढ़ियों से गरीबों असहायों की निशुल्क चिकित्सा के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। इनके पिताजी वैद्य श्री बालमुकुंद जी बिंदल, वो महान समाज सेवी थे, जिन्होंने अनेकों कुओं की, बावड़ियों की, धर्मशालाओं की, आश्रमों की स्थापना की और उनका संचालन किया। ऐसे ही पीढ़ियों से सेवा कार्य से जो परिवार जुड़ा हुआ है, उसी परिवार से हैं वैद्य श्री राम कुमार जी बिंदल, हिमाचल प्रदेश सोलन से, जो चेहरा नब्ज हाथ देखकर रोगों की पहचान करते हैं, जिन्होंने लाखों की संख्या में रोगियों को स्वास्थ्य दिया है। असाध्य रोगी उनके पास आकर स्वस्थ होकर जाते हैं, जिन्होंने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में 5000 फीट से लेकर 15000 फीट की ऊंचाई पर 30000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके 18 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज की है। अनेकानेक असाध्य रोगों की आयुर्वेद के क्षेत्र से, आयुर्वेद की सेवा से सफल चिकित्सा की है। ऐसे वैद्य डॉक्टर राम कुमार जी बिंदल जी को सम्मानित करने के लिए हम निवेदन करेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज से, श्रद्धे आचार्य श्री से, वैद्य डॉक्टर राम कुमार जी बिंदल को आप सबकी ओर से, देश के 121 करोड़ लोगों की ओर से शाल ओढ़ाकर पूज्य आचार्य श्री सम्मानित करते हुए पतंजलि आयुर्वेद गौरव पुरस्कार के माध्यम से प्रतिवर्ष जिन्होंने इस क्षेत्र में सेवा का सराहनीय कार्य किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 1,00,000 रुपए का चेक पूज्य महाराज श्री वैद्य राम कुमार जी बिंदल को प्रदान करते हुए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि। आयुर्वेद के प्रोत्साहन के लिए जहां केंद्र सरकार मात्र 3% बजट देती है, वहीं पतंजलि योगपीठ ने देश व दुनिया के करोड़ों लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाया है। वैद्य डॉक्टर राम कुमार जी बिंदल से हम आग्रह करेंगे कि वो 2 मिनट अपने भाव, अपने विचार आपके सामने रखें। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, पूज्य संतगण, वंदनीय मातृशक्ति, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, समय तो बहुत कम है। आयुर्वेद एक ऐसा विषय है, इसमें वर्षों तक, महीनों तक बोलते रहने से भी समाप्त नहीं हो सकता। 155 वर्ष की परंपरा में जो आयुर्वेद के बारे में महान ज्ञान हमारे परिवार को ईश्वर ने दिया है, उसके बारे में खैर चर्चा तो होती रहती है, और अभी मैं चर्चा करूंगा दूसरे विषयों पर। पूज्य रामदेव महाराज ने जो छेड़ दी है बात, जो राजगोपाल जी ने कहा है, मैं 5 संस्थाओं का, विश्व हिंदू परिषद, मेडिकल एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज वगैरह का हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इसलिए 3 दिन अपनी क्लिनिक खोलता हूं आजकल, और 4 दिन मैं सेवा कार्य में रहता हूं, तो पूरे हिमाचल में, देश भर में घूमने का वास्ता पड़ता है, तो जहां जहां भी जाते हैं चर्चा होती है। पूज्य रामदेव जी महाराज ने और बालकृष्ण जी महाराज ने जो चर्चा छेड़ दी है, ये समाज के लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत विकासकारी है और बहुत भला करने वाली है। ये क्रांति का उद्बोधन हुआ है, क्रांति शुरू हुई है, इस क्रांति में हम जीतेंगे और भारतीय संस्कृति, भारत जीतेगा, भारत के संत लोग जीतेंगे, ऐसे ही हमारा कल्याण होगा। और पूज्य बालकृष्ण जी महाराज ने जो जड़ी बूटियों का और आयुर्वेद पर कार्य करके, पुस्तकाकार में ला करके, सारे विश्व में फैला करके जो बड़ा कार्य किया, वो आयुर्वेद पर बहुत बड़ा उपकार है। केवल आयुर्वेद पर ही नहीं, भारतीय संस्कृति बड़ा भारी उपकार है और बड़ा भारी कल्याणकारी कार्य है। इस कार्य में हमेशा बढ़ोतरी हो, हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मंगल कामना करता हूं। अब आपको मात्र 2 मिनट में मैं आयुर्वेद की लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा को हजारों वर्ष पीछे ले जाऊंगा। क्या आयुर्वेद से एलोपैथी कैसे बनी? विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में, ऑल वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस में 140 लोग आए थे दिल्ली में, वहां पर भी मैंने बातें कही थी। समय तो केवल 2 मिनट का मिला था और बढ़ते बढ़ते कैरी ऑन करते 20 मिनट तक बढ़ा दिया गया, तो उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आयुर्वेद से कैसे एलोपैथी बनी।
आयुर्वेद की बेटी यूनानी है, पोती एलोपैथिक है और होम्योपैथिक पर पोती है। एक किस प्रकार से कहने लगे आप साबित तो करें, आप इसे जवानी खत्म ना बोले, तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। जब अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तो कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं तो उसका आक्रमणकारी कहता हूं, एक लुटेरा कहता हूं जो लूटने से भारत को आया था। उस अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस अरस्तु अरिस्टोटल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान फिलासफर उसके साथ था। चलो अलग विषय है, उस विषय को छेड़े बहुत लंबा हो जाएगा। इस सब के होने के बावजूद अरस्तु को यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने रहकर रोक करके उसको आयुर्वेद सिखाया और वो 3 वर्ष तक आयुर्वेद सीख करके अपने देश को गया। तो हमारे एक नियम मंत्र आता है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम इतम। इस प्रकार से यूनान में जाकर के उसने उस जड़ी उसमें आयुर्वेद के अंदर वहां के जड़ी बूटी समावेश किया और यूनानी नाम उसको दिया। ये यूनानी पद्धति जो है 2000 वर्षों तक देश भर में अपने देश में और यूरोप में चलती रही। उस समय यूनान का ही वर्चस्व सारे विश्व में था और यूनान जो है सारे यूरोप को जो चलाता था और रोम वहां की जो राजधानी से सारा यूरोप का संचालन होता था। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति पिछले 2000 वर्षों तक यूनान से सारे यूरोप में चलती रही। उसके बाद आज से लगभग 500 वर्ष पहले लुई पाश्चर, विलियम हार्वे वगैरह कुछ डॉक्टर आए, वैद्य आए, यूनानी हकीम आए, उन्होंने अलग पंथी शुरू किया। ये अलग पंथी बाद में बिगड़ के एलोपैथी बना, अलग पंथी शब्द से एलोपैथी बना, अलग पंथी उन्होंने बनाया। अलग पंथी क्या थे अब आप देखिए, और क्या है अलग पंथी, कैसे आया। ये राम कुमार के सिर में दर्द हो रही है, इसके पांव में डंडा मारो, दर्द ठीक हो जाएगा। और पांव में डंडा मारते थे तो अटेंशन डाइवर्ट होती थी, सीधा ठीक नहीं होता था, तो वो अलग हो गया, अलग पंथी बन गए। और राम कुमार के पेट में दर्द हो रहा है, मुंह में थप्पड़ मारो, खींच के इसके थप्पड़ मारा, वो लग गया देखने मुंह को, पेट दर्द को भूल गया। इस प्रकार एक रोग पैदा होता था, दूसरा रोग शुरू हो जाता था। ये अलग पंथी जो एलोपैथी कहलाए। और कुछ टिंचर स्पिरिट्स का निर्माण किया, टिंचर स्पिरिट 16 साल बनाए। और 16 साल आप भी आप देखते होंगे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, आज से 20 वर्ष पहले तक भी ये लोग मिक्सचर बनाते थे। ये टिंचर रिथि है, टिंचर निशी है, टिंचर अमरंथ है, इन टिंचरों को मिला के मिक्सचर बनाए जाते थे। ये पेट के लिए है, गैस के लिए, दर्द के लिए, इस प्रकार के मिक्सचर बनाए जाते थे। ये अलग पंथी पैदा हुए और उस अलग पंथियों ने एलोपैथी का निर्माण किया। और उससे अब आगे आइए, 1930 में जब जो 30s के अंदर पेंसिलिन का निर्माण हुआ और उसमें एंटीबायोटिक्स आए, तब थोड़ा अंतर पड़ा, उसका एंटीबायोटिक आते चले गए, एक से एक एंटीबायोटिक आते चले गए। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस में रोज देखता हूँ, हर साल नया एंटीबायोटिक आता है और 5 साल का फेल हो जाता है। वो एंटीबायोटिक ये साइड इफेक्ट आ गए, ये साइड इफेक्ट आ गए, ये अवगुण आ गए, ये अवगुण आ गए और वो बंद कर दिया जाता है। अब पेंसिलिन बंद होगी, फिर टेट्रासाइक्लिन बंद होगी, ऑक्सीटेट्रा बंद होगी, सिप्रो बंद होगी, बंद होती जा रही, नई नई आती जा रही है और हमको गिनी पिग बना करके। आस्था जीवन का आधार। मजबूती के बिना ताजगी का क्या फायदा। नया अमर क्लोव जेल टूथपेस्ट आपको दे फ्रेश ब्रेथ और मजबूत दांत भी। न्यू अमर क्लोव जेल टूथपेस्ट, मजबूती भी, ताजगी भी। पता नहीं कब समझ आएगी कुणाल को, कामयाबी चाहिए तो दुनियादारी भी समझनी पड़ेगी। भाई हम तो समझा समझा के थक गए। परिचय नई जिंदगी के सपनों का 9 अगस्त से सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलस पर। झंडू पंचारिष्ट ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, हर पेट की समस्या का हल है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट, पेट तनातन, लाइफ तनातन। हाँ माँ बा शब्द ही नहीं इसमें, तो वहाँ पे जब शब्द लिखेंगे उसके जो है प्रोनाउंस बदल जाएगा। जिस प्रकार से भाई राजगोपाल जी बोल रहे थे और लोग बोलते हैं दक्षिण भारत के लोग, जो हम पंजाबी लोग बोलेंगे उसका जो है MP में कुछ और उच्चारण हो जाएगा और दक्षिण भारत जाते हैं शब्द का शब्द कुछ और ही बदल जाएगा, शब्द ही बदल जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या लिखा, हमारे शब्द है दुखतार डॉक्टर के लिए, तो DOOCT और डूकटार, कालांतर में एक शब्द उड़ गया, वो बन गया दुख डॉक्टर। यह है शब्द शल्यजन, शल्यजन से बन गया सर्जन, शल्यजरी सर्जरी, शब्द आता है मेनिनजाइटिस, मननजाशोथ शब्द है हमारे मननजाशोथ मस्तिष्क शोथ, वो बना मेनिनजाइटिस, फरेंजाशोथ फरेंजाइटिस,
लरंजा शोधर लरंजाइटिस, हृत शब्द है संस्कृत में हृत के लिए, आज भी हृत है, हार्ट HERT हृत आज भी हृत ही है वो, को हार्ट वार्ट कुछ नहीं है, आज भी हृत ही है वो। इसके बाद आता है एंट्रेल, आंतरण शब्द हमारे आंतरण, आंतरण में सूजन हो गई, आंतरण है तो एंट्रेल, ENTR एंट्रेल लिख रहे हैं, है शब्द हमारा ही है। शब्द है ऑस्टोमलेशिया, अस्थि मलाशय, अस्थि में मल आ गया, अस्थि मलाशय वो बन गया एस्टोमलेशिया। एनस्थाई, अनस्थाई अचेतन रहता एनेस्थीसिया। अब है आपका अम्बेलिकल कॉर्ड, जो माता जब बच्चा पैदा होता है जो कॉर्ड निकलती है अम्बेलिकल कॉर्ड, अम्बा, अम्बा मैंने माता, अम्बा की कॉर्ड, अम्बा की रेशे वो अम्बेलिकल कॉर्ड है, अम्बेलिकल कॉर्ड अम्बा से बना। इस प्रकार हजारों हजार शब्द हैं, एक शब्द की बात क्या कहनी है, इतने हजारों शब्द हैं। आज भी पूरी एलोपैथिक में आयुर्वेद के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इसका पक्का प्रमाण है, इस प्रमाण को आप देखें। और इंग्लिश में तो हजारों शब्द ही है, अब आप जाएं थोड़ा सा इंग्लिश को चले तो हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये कोई वन वन नहीं है, बिल्कुल गलत है। ओ एन ई ऊन शब्द है संस्कृत में, ऊन वन के लिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सारे ही संस्कृत के शब्द हैं। अब आइए भ्रातरी, ब्रादर, पितरी, पिदर, मादर, मदर। अब इसके बाद धूतर, DAUGH, आज भी धूतर ही है वो, डॉटर डूटर कुछ नहीं है, DAUGH धूतर। इस प्रकार के हजारों हजार शब्द हैं संस्कृत में, और एलोपैथिक में आयुर्वेद की हैं, ये आयुर्वेद की बेटी है और आयुर्वेद की पोती है और उसे बनी है, और कुछ बहुत सी विकृतियां लेकर के आई है, इनके बीच में बात है कि हमको पैसे मिलते रहे, रोगी रोग मुक्त ना हो और पैसे मिलते रहे, इस प्रकार से उसका जो है रोगी का कल्याण ना हो तो हमें पैसे मिलते रहेंगे, इसलिए जो है करते हैं। इनके पेट में हम रोड इसलिए उठ रहा है कि स्वामी रामदेव जी ने योग से मुफ्त में सबको ठीक कर दिया, हमारे पैसे कहां जाएंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे अरबों खरबों रुपए हमें नहीं मिलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, उनकी सोच ये है। जबकि भूखे मरने वाला कोई नहीं है, परमात्मा ने सबको पेट भरने को दिया है, परमात्मा कीड़े का पेट भी भरता है, एक कीटाणु का पेट भी भरता है, तो परमात्मा सबको देता है, लेकिन बात यह है मन, मन जिसका पूरा ना हो उसकी बात अलग है। फिर धन्यवाद, समय हो रहा है, मुझे बार बार आदेश हो रहा है, ज्यादा बोल गया क्षमा चाहूंगा, आप सबके चरणों प्रणाम। हमारे वैद्य जी भाषा से लेकर, भाषा शास्त्र से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र तक, और ये सत्य है कि ये अपनी योग आयुर्वेद की सनातन संस्कृति, जितनी पुरानी सृष्टि उतनी हमारी योग आयुर्वेद और अपनी सब प्रकार की ऋषि परंपराएं, और उन ऋषि परंपराओं को बहुत तप पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जिन्होंने संजो के रखा, ऐसे वैद्य राजकुमार बिंदल जी का एक बार पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। समस्त विद्वानों के विचारों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि उन विचारों को सुनते ही जाएं, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं, तो सभी संतगणों से, विद्वत्जनों से ये निवेदन रहेगा समय की मर्यादा का ध्यान रखें। आगे हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा को अपना उद्देश्य बनाया है, अपना संकल्प बनाया है, अपने जीवन का आधार बनाया है, जिनका एक सपना है और जो उस सपने में, उस संकल्प में जीते हैं, एक सुनहरा सपना, चार पंक्तियां आगे जिस व्यक्तित्व को हम आमंत्रित कर रहे हैं उन्होंने लिखी हैं, प्रदूषण रहित वसुंधरा, नीला नीला नयनों को मोहने वाला विशाल आसमान, निर्मल शीतल जल, हरे भरे खेत खलिहान और बगीचे, पौष्टिक आहार, निरोगी शरीर, खूबसूरत खूबसूरत और प्रेरणादायी सोच, यह सुनहरा सपना पूरा करे यह कर्तव्य व्यापारी, वकील, डॉक्टर, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, नेता, हर नागरिक, आप और मैं, हम सबका है। ऐसी सोच, ऐसे संकल्प में जीने वाले जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की रक्षा में, कृषि के लिए समर्पित किया है, आगे पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विठल अमृतराव रोड़े जी को, जो 30 वर्षों से मुंबई से मूल रूप से हैं और पूरे भारत में, पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा के लिए, कृषि के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर से MSc की है और जिन्होंने वर्षों तक अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं, भाई विठल अमृतराव रोड़े जी, पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य श्री से निवेदन है उनको अपना आशीर्वाद, अपना सम्मान पतंजलि कृषि गौरव सम्मान से सम्मानित करें, जिन्होंने
बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, अनेकों उद्यानों की स्थापना की है, लाखों वृक्षों को पौधों को वितरित किया है, उनका रोपण किया है, पर्यावरण की रक्षा में कृषि के लिए जिन्होंने उन्नत कार्य किया है, ऐसे डॉक्टर विठल अमृतराव रोड़े जी को आज पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर विठल अमृतराव रोड़े जी से हम आग्रह करेंगे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से 2 मिनट संक्षेप में अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा करें। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि। पतंजलि योग के सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और आपका मैं समय बिल्कुल ही ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बड़े बड़े संत यहाँ ऊपर और आगे भी इतना जन समुदाय देखने के बाद मेरा तो दिल भर गया। जब आस्था चैनल शुरू हुई मुंबई के टीवी वे पे, कहीं टीवी पे वो आस्था चैनल थी नहीं, और सब लोगों ने फोन करके वो ऑपरेटर्स को बुला के बोला है हमको पहले ये चैनल होना, ये धनगढ़ ढांगा और ये वो बाकी के चैनल है बंद करो। मैं देखता था और क्या बताऊं, बाबा के वो योगा। अच्छा एक बात, मैं बस में कहीं कहीं जाता था तो देखता था लोग सीख गए कपाल भाती और क्या लोम अनुलोम ये वो, बस में भी छोटे बच्चे हो। अच्छा एक जगह मेरा लेक्चर था यूनिवर्सिटी में और ये हॉर्टिकल्चर के ऊपर ही, वहां जाके मैंने देखा स्टूडेंट्स लोग, लड़के भी थी लड़कियां भी थी, एने इतना महाराज ने ये योगा के प्रति देश में विदेश में तो है ही है, विदेश में तो मैं ज्यादा जाता नहीं, पर जो मैं अपने भारत में देख रहा हूँ और जहाँ पब्लिक में देख रहा हूँ जो उन्होंने काम किया, इससे बढ़िया काम कोई कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, बाल कृष्ण बाबा सॉरी तरुण कृष्ण बाबा, तरुण हो गए अभी वो यंग हो गए, बाल कृष्ण बाबा ने जब वो टीवी के ऊपर आयुर्वेदिक प्लांट्स के ऊपर बताना चालू किया और इतने लोग खुश और मेरे को आके पूछते थे साहब उन्होंने वो प्लांट बताया उसके बारे में कुछ आप बताइए, अरे उनके सामने मैं क्या बताऊं। और उन्होंने एक खास चीज मुझे याद आती है, लक्ष्मण जी को वो बाण लगा था, संजीवनी बूटी वहां से उन्होंने ला के हमारे लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए थे, वो बूटी का उन्होंने 7 दिन 8 दिन, मैं वो देखता था बड़ा गौर से वो टीवी के ऊपर बाल कृष्ण बाबा कैसे जा रहे कांटे पत्थर क्या क्या उनके ऊपर परिस्थिति आई होगी, ऐसे उसमें उन्होंने वो खोज निकाला और वह मैंने जब वहां देखा उसके ऊपर में, मुझे लगा सचमुच ही हनुमान जी ने तो उस वक्त लाई होगी, नहीं लाई होगी महाभारत में रामायण में लिखा है, पर हमारे बाल कृष्ण बाबा ने ये जड़ी बूटी यहाँ ला के रखी होगी। ऐसे ऐसे कार्य इन लोगों ने किया। मैं तो एक नेचर लवर हूँ, निसर्ग का प्रेमी हूँ, निसर्ग के लिए जो कुछ मेरे से होता जो कर सका वो मैंने किया। यहाँ आने के बाद मैं बाग बगीचे का प्लानिंग करता हूँ, डेवलप करता हूँ और वसुंधरा सुंदर करने के लिए मेरा योगदान देता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने देखे हरे भरे लॉन्स, किस्म किस्म के झाड़ पेड़ और उनकी सुंदरता से हुई होती हुई देखभाल देख के मैं बहुत खुश हुआ और वही देखते रहा जो कार्य पतंजलि कर रही है। अब मैं उन्हें सदिच्छा तो क्या दूं, इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हूं और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इन्होंने जो काम किया है बहुत 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 ही अच्छी तरह से किया और भगवान उन्हें सदैव
आशीर्वाद दे और उनके हाथ से अच्छे काम होते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम भाई विठल जी को, भाई राकेश जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और क्योंकि अब आगे हमारे आस्था जीवन का आधार। मजबूती के बिना ताजगी का क्या फायदा? नया अमर क्लोव जेल टूथपेस्ट आपको दे फ्रेश ब्रेथ और मजबूत दांत भी। न्यू अमर क्लोव जेल टूथपेस्ट, मजबूती भी, ताजगी भी। पेटेरिया हुआ ना? पेटेरिया कैप्टन? हाँ, और पेटेरिया का इलाज एक ही है, 5 दमदार अरिष्टों के मिश्रण से बना हुआ झंडू पंचारिष्ट। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों को दूर रखता है। पेटेरिया गॉन? झंडू पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ टनाटन। वो ज्ञान दीक्षा के साथ अब भोजन की भिक्षा के लिए भी आतुर हैं। उससे पूर्व कुछ महापुरुषों का आशीर्वाद के लिए मैं पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी से कहूंगा, उनको आमंत्रित करें। जैसा कि आपने अभी श्रवण किया, इस देश के अंदर जो कुछ भारत की बजाय इस देश को इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका संविधान बदलने की जरूरत है, महापुरुषों ने कहा। मगर संविधान के साथ साथ काला धन जमा करने के साथ साथ जिनके दिल भी काले हो गए हैं, संविधान के साथ उनके दिलो दिमाग को बदलने की भी जरूरत है, जिसका बीड़ा हमारे श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने उठा रखा है। घड़ी की सुई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जो दो चार महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों ने लेना है, सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि समय के अंतर्गत अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। हमारे बीच में बहुत से महापुरुष हैं जिनकी वाणी के द्वारा हम लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। महंत भजूराम दास जी महाराज, हरिबोल दास जी महाराज, महंत गोविंद दास जी महाराज, महंत जगदीश दास जी महाराज, महंत रामचरण दास जी महाराज, साध्वी राघव शरण श्यामदास कुटिया, साध्वी गंगा दास जी, साध्वी रंजना दास जी, सोहम आश्रम के कल्याण स्वरूप जी, और हरमिलाप आश्रम से भी उनके प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी पधारे हैं, और हमारे निर्भयानंद जी महाराज, और रामेश्वर धाम से स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज पधारे हैं, और सच्चिदानंद जी महाराज पधारे हैं। अभी अभी हमारे बीच में आचार्य महापीठ रामानंद आश्रम से परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भगवान दास जी महाराज, उनके साथ में पूज्य महंत विष्णु दास जी महाराज, हमारे अखिल भारतीय रामानंदीय वैष्णव मंडल हरिद्वार के अध्यक्ष पूज्य महंत मोहनदास रमैणी जी महाराज, हमारे विष्णोई आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य महंत रजेंद्र दास जी महाराज, और हमारे चेतनगिरी आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जगदीशानंद जी महाराज पधारे हैं। इन सभी महापुरुषों का इंच मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन। और साथ में हमारे इधर विराजमान है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया भाई, उनका भी पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, मात्र 2 मिनट के लिए हमारे मातृ सदन के परमाध्यक्ष परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज जो कि यहाँ पधारे हैं, आप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, केवल 2 मिनट के लिए। गंगा की रक्षा के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए अनशन तप का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पिछले 15-20 वर्षों से पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज चला रहे हैं। पतंजलि योगपीठ में उनका ये प्रथम उद्बोधन है, आगमन तो पहले भी हुआ है। एक बार उनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत पुराने उनके साथ एक विश्वास के रिश्ते हैं, आत्मा का रिश्ता। मैं कोई संबोधन नहीं करूंगा, समय का की मर्यादा है, इसलिए मुख्य बात मैं बोल दे रहा हूँ, और इसे इस बात से बोल रहा हूँ कि पूरा देश इस पर सोचे। जब वैदिक संस्कृत में जब राजा राजसी जग में राजा को ऋषि सत्ता पर बैठाते थे तो इसी मंत्र का उद्घोष होता था, इमं देवा असपत्म गुंग सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राजा इंद्र इमम मुख्य पुत्र मुख्यै पुत्रमस्यै विशेष भूमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। मैं इसका विस्तार से नहीं करूंगा,
ऋषि उस समय सावधान थे कि राक्षसता अंधी होती है। ऋषि सावधान थे, कहते थे देखो राजा, देवताओं कहते हे देवता तुम साक्षी रहो, मैं इस राजा को इस पद पर अभिषिक्त कर रहा हूँ, यह इस जनपद का राजा है, यह इसके माँ का नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है। लेकिन उसी समय राजा को कहते हैं राजा ध्यान रखना, तुम इस सबके राजा हो, कभी ब्रह्म ने मत का बोल देना कि मैं आपका भी राजा हूँ, क्योंकि सोमो स्माकं ब्राह्मणा नाम राजा, याद रखो हमारा राजा हमारा सोमत्व है, हमारी बुद्ध है, हमारी अपनी अंतर के जो ब्रह्म शक्ति है वह है। आज यही दुर्भाग्य का विषय है कि जो राज के सत्ता स्वयं हम पूरे भारतवर्ष में चैलेंज करते हैं कि 99.99% लोग झूठ बोलता है, हमें एक व्यक्ति बोल दे। और इसीलिए जब मैं माश्रम चलाया तो हमारे आश्रम में ज्यादा मेंबर नहीं है, क्योंकि हमारे आश्रम में यदि कोई झूठ बोलते हुए पकड़ाता है तो वो आश्रम से बाहर जाता है। और मैं चाहे वो जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े बड़े राजनेता हो, राजसत्ता हो, मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं कि मेरे पास आवे और वो बोले कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोला हूं। और यदि वो झूठ नहीं बोले हैं तब एक प्रश्न उठता है, झूठ सब बोलता है, तब क्या झूठ का साम्राज्य छोड़ दिया जाए? नहीं, जिस झूठ से लोगों को हानि हो उसे पकड़ो। मैं तो ये कहूंगा कि सबका सब पूरा पूरी सत्य बोलो, क्योंकि सत्य का आगमन होना है। लेकिन एकाएक कोई नहीं बोल सकता है, जितने भी व्यक्त हैं 24 घंटा के अंदर अपने अंतःकरण के रूपी देव में देखें कि वो कितना सत्य बोले हैं, और अपने अंतःकरण रूपी देव से ही इसका न्याय करें। तो ऐसे में एक बात होनी चाहिए कि झूठ से कितने लोगों को नुकसान हुआ है। यदि झूठ से नुकसान होता है उस पर सजा दो, और यदि झूठ से नुकसान नहीं होता है तो पूरा देश झूठ बोलने वाला हो सबको सजा दो। मैं स्वयं इस मन से चैलेंज करता हूं, और जो कोई ये बात कहता है कि मैं बचपन से सत्य ही बोला हूं तो राजा हरिश्चंद्र नहीं कोई है। उस समय में राजा हरिश्चंद्र के सत्य से देवता कांपे थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं आचार्य जी से ये बात कहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ क्या बात है, कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं असत्य बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं असत्य को सत्य और सत्य को असत्य नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात सत्य है कि उनके इन कृत्य से किसी को क्षत नहीं पहुँचा है। यदि उनके इस कृत्य से किसी को क्षत पहुँचा हो तो मैं पहले ये बात कहूँगा कि हाँ उनको या रामदेव को या किन्हीं को सजा मिले। लेकिन जब उससे किसी को नहीं बोला, सबका सब झूठ बोल रहा है। और एक बात और जो मैं राजसत्ता से कह देना चाहता हूं, निश्चित बात है दोषी बहुत होते हैं, लेकिन जिस क्षण का दोष है उस क्षण उसे पकड़ो। जब कोई एक इशू उठेगा और इशू के समय हजार प्रकार से झूठे सही ये आरोप लगाते हो, वह सही आरोप भी झूठा हो जाता है समय को देखते हुए। किसी सत्य और असत्य की परिभाषा बहुत ही कठिन है। कोई सत्य किसी समय वह असत्य होता है, और कोई असत्य भी किसी कालखंड में सत्य होता है, क्योंकि सत्य बहुत ही दुर्गम है, सत्य बहुत ही कठिन है। इसलिए इस बेसिक बात को लोग समझे और निरर्थक अपने समय को अपने ऊर्जा को व्यर्थ न करे। देश महान होता है, और श्रुति कहती है कि बैंग राष्ट्रीय जाग्राम पुरोहिता, इसलिए हमारा जितना भी पत्र बाहर न्यायालय इत्यादि में जाता है तो ऊपर हम ये लिखते हैं बैंग राष्ट्रीय जाग्राम पुरोहिता, हम ऋषि देश में जगे होते हैं और सब सोया हुआ है, सब अपने छोटे बाल बच्चों के पालन में अपने समस्त शक्तियों को अर्पित करने वाला व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में अपनी आत्मा को देखता है उसे जब शासन करने लगेगा तो यही दुराचार होगा, यही अत्याचार होगा, यही अनाचार होगा, जिससे पूरा देश आज व्याप्त हो रहा है। इसलिए इस भौतिक सत्य को पकड़ें। और जहां तक जन्म प्रमाण पत्र का इत्यादि का सवाल है तो हम एक सिद्धांत कहते हैं, कानून और धर्म अलग होता है। हम ऋषि हैं, तुम्हारे छोटे कानून हमारे लिए बंधन नहीं होगा, लेकिन हमारा ऋषि धर्म जो हमारा धर्म है वो हमारा
पालन करने का है। पूरा भारतवर्ष आर्यावर्त है। मैं कहूंगा यदि बालकृष्ण जी और रामदेव जी आर्य धर्म का हमारा श्रेष्ठ उद्दात धर्म है उस धर्म का उल्लंघन किए हैं तो सजा दीजिए, लेकिन यदि आर्य धर्म ये कहता है क्या वो आर्याव नेपाल आर्यावर्त में नहीं है? मैं तो कहूंगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोग भी यदि हमारी आर्यावर्त का धारण आर्य धर्म का पालन करते हुए ये कहें कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ तो हमें उसे सर्व स्वीकार है, बशर्ते वो आर्य धर्म का पालन करें। और हमारे देश में उत्पन्न होकर के यदि अनार्य धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमारे सही अर्थ में हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो क्या इन्होंने आर्य धर्म का पालन किया है कि नहीं किया है? इन तथ्यों को देख करके समस्त बातों को हटा करके हम लोग इस डिस्कशन पर आवे हैं, इस विचार पर आवे कौन धर्म का काम कर रहा है कौन अधर्म का काम कर रहा है। धर्म से मेरा मतलब कर हिंदू क्या धर्म से नहीं है, एवेसिक शासक धर्म होता है। क्या पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के धर्म का पालन करता है? क्या राजनेता राजनेता के धर्म का पालन करता है? क्या एक व्यापारी व्यापार के धर्म का पालन करता है? तो वह धर्म का पालन होना चाहिए और उस पर कानून लगे। कानून बहुत छोटा चीज होता है, आज एक व्यक्त बनाया दूसरा हटा दिया, लेकिन शाश्वत धर्म जो होता है वह हमेशा चिरस्थायी होता है, वह रहेगा। समय का अभाव है, समय की मर्यादा है हमारे। हम भी उनसे कहेंगे कि हमको फुर्सत दीजिए कि हमारे अभी भी महात्मा अनशन पर हैं और हमारे एक महात्मा। और जहाँ तक डिग्री की बात है, एक बात बात मैं और बता दूँ, हमारे निगमानंद जी तो प्लस टू पास भी नहीं थे और अभी और नहीं है। उनकी एक किताब निकली हुई है, उनकी यौगिक ज्ञान को देखिए, उनके व्याकरण को ज्ञान को देखिए। और हमारे यहाँ हमारे दयानंद जो हैं वो बड़े बड़े वकीलों के साथ कोर्ट में खड़े होते हैं तो क्या कोर्ट कहेगा कि आपको LLB की डिग्री नहीं है इसलिए आप नहीं लड़ सकते हैं? हम तो स्वयं लड़ते हैं और एक कानून का एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, हमने भी स्वयं कानून का एक किताब नहीं पढ़ा है। तो ज्ञान कैसे होता है इसे भी लोग समझे। ज्ञान ऋषियों का ज्ञान डिग्रियों में नहीं होता है, ऋषियों का ज्ञान अंतःकरण से होता है, अपने उनके गुरु के आशीर्वाद से होता है। इन छोटी छोटी बातों को, हमारे पास समय नहीं है और मैं समझना चाहूँगा हमें आज्ञा भी दें कि हम अनशन है, मैं जा रहा हूँ और इन बातों से मैं मांग करके आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ। और बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा हमारे मातृ सदन के परमाध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनका संस्थान निरंतर गंगा की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, गंगा की भांति इस देश को निर्मल बनाने के लिए लगा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा केवल एक मिनट के लिए, जो कि सभी महापुरुषों को हम सब लोग मिलकर के लगे रहे यहाँ शास्त्री जी के साथ मिलकर के, हमारे हरिवल्लभ दास शास्त्री जी और उनके साथ गुजरात से और भी महापुरुष पधारे हैं, उन सबकी तरफ से केवल एक मिनट के लिए हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज अपना उद्बोधन देंगे। और इस कार्यक्रम में आनंदवन समाधि से स्वामी चिद्विलासानंद जी महाराज, नेह कलंकाश्रम से अजीत सिंह जी महाराज पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। एक मिनट के लिए हरिवल्लभ दास जी महाराज। वाणी मंगल रूपिणी सहसितम यस्यास्ति वै मंगलम, नेत्रे मंगल देश दौर विलसितम, नृणाम परम मंगलम, वक्त्रम मंगल गोचपाद चलितम, यस्याखिलम मंगलम, सोयम मंगल मूर्तिरासु जगतो नित्यम क्रियान मंगलम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज तेमज यहाँ उपस्थित पूज्यपाद आचार्य बालकृष्ण जी एवं पूज्यपाद सभी मंडलेश्वर और आए हुए सभी संतों का चरण में वंदन। आज यहाँ जड़ी बूटी दिन, साथ में संत सम्मेलन और आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिन के आज आप सब उपस्थित यहाँ संतों को जो यहाँ बड़ी उपस्थिति है और स्वामी जी के साथ और आचार्य बालकृष्ण के साथ जो सभी संतों को लगाव है आज यहाँ पर सभा के अंदर देख रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि स्वामी जी महाराज आप जो काम कर रहे हैं यहाँ सभी संतों ने जो सुझाव दिया है और सभी ने जो आशीर्वाद दिया है ये बारे में मेरे को कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना ही कहना है कि आप जो लगे हैं इसके साथ पूरा समाज आपके साथ है। और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से हमारे साथ बड़ी संख्या में संत सब आए हैं और यहाँ सामने बैठे हो वो भी संत सब साथ में, सभी का यही विचार है, सभी बोलते हैं कि भाई
स्वामी जी जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसके साथ हम सब जुड़े हैं और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन, 1000 साल जीवो और यही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहो। और हम कैलाश मानसरोवर गए थे, नेपाल गए थे, वहाँ भी महाराज जी ने बहुत जड़ी बूटी पहाड़ों में ढूंढी थी, हम और संतोषानंद जी साथ में थे। ऐसे ही महाराज यहाँ जो जड़ी बूटियों लाके अपने लोगों को दिया है, वो उसी का जो भाग्य और हमारा भाग्य एक हुआ है और ये नेपाल में से यहाँ आए है। और अभी स्वामी जी महाराज ने सबने जो किया है कि भारत का है, भारत का रहेगा, और जो लोग पीछे लगे हैं वो लगे रहेंगे, उसकी बात वो करेंगे, अपनी बात ये करना है कि अपने पॉजिटिव विचार करना है, नेगेटिव कोई विचार करना नहीं है, अपने आगे बढ़ते रहो। इतना कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। महाराज जी हमारे साथ, जब से हम हरिद्वार आए तब से उनका एक बहुत गहरा आत्मा का रिश्ता है और उन्होंने उस विश्वास को पूरी पवित्रता से बनाए रखा है। पूज्य स्वामी अमरानंद जी और पूज्य स्वामी हमारे हरिवल्लभ दास स्वामी जी, ये हमारे उस समय के मित्र हैं जब हमने अपनी इस सेवा की यात्रा को प्रारंभ किया था और आज तक उनका वही प्रेम है। उनको एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम वंदन। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे निरंजनी खाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज, केवल 2 मिनट के लिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 2 मिनट के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम शन्नो पिबातय वरह। ओम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मंडलेश्वर वृंद, श्री श्रद्धेय जगदवंदनीय रामदेव जी महाराज, श्री बालकृष्ण जी, अन्य विद्युत वृंद, जिज्ञासु, आप लोग जानना चाहते हैं योग के बारे में, धर्म के बारे में। आज का जो विषय है उसमें 3 सब्जेक्ट सामने आए, उनमें तीनों पर बोलना बड़ा मुश्किल है, परंतु जड़ी बूटी के बारे में हमारा जो काट की जाती है एलोपैथी का, इन्होंने बताया वैद्य जी ने, तो जो हमारा बंधन किया जाता है वो आप लोगों में पत्रों में पड़ा होगा, खास करके एलोपैथी की पत्रिकाओं में निकलता है कि आयुर्वेद जो है वो केवल गंधक और पारा इनकी कजली के ऊपर आधारित है और उसके खंडन के लिए बहुत मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए आयुर्वेद बहुत हानिकारक है। हम लोगों को चाहिए, आयुर्वेदक जितने भी हैं उनको चाहिए कि उसका विकल्प खोजें, क्योंकि ये जो कजली है ये केवल योगवाही है और उसके साथ साथ मात्र स्तंभक है, उसके लिए शालमिश्री है, काली मूसली है और कई, इसमें चर्चा करनी ठीक नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर हम आयुर्वेद को जीवित रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और जगत प्रसिद्ध करना चाहते हैं तो इसका विकल्प हमें खोजना ही पड़ेगा। दूसरी बात, बालकृष्ण जी का जन्मदिवस है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, दीर्घायु हो, परंतु ये निश्चित है कि उनको इस बारे में अवश्य ही नई जड़ी बूटियों के लिए खोज करनी चाहिए। ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए जरूर खोज करें। आज इस समय की सबसे बड़ी आयुर्वेद को इसी चीज की आवश्यकता है। जहां तक आंदोलन की बात है, जो जन आंदोलन रामदेव जी ने जनता को दिया, उसमें मैं अमृतसर से आया हूं, वैसे यहां आकर के देखा कि लोगों में बड़ी निराशा है। कई लोग तो ईर्ष्यावश करते हैं, परंतु कई लोग जो हैं, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि ईर्ष्यावश बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु कई लोग जो हैं वो अज्ञानतावश भी करते हैं। उसमें ऐसा है, लोग ये समझ बैठे हुए हैं, आम चर्चा में ये देखने में आता है, लोग ये समझे रहे हैं कि सरकार ने रामदेव को दबा दिया। हमारा देश कृषि प्रधान है, धान यहाँ भारत के हर कोने में होता है। आपने देखा होगा धान को एक बार ऐसे फेंक दीजिए तो उसमें छोटी छोटी सी बाल आती है और उसमें भी पूरे दाने नहीं होते, परंतु उसको जब पौध के रूप में दूसरी जगह लगाया जाता है उखाड़ करके तो उसके पत्ते कुमल आ जाते हैं। 3 गांठ तक उसमें पानी रखना पड़ता है,
परंतु उसमें बाल जो मूल तना होता है उससे भी दुगनी बाल आती है, और उसमें कम से कम 100-150 दाना होता है और सारे पुष्ट होते हैं। तो ये तो रामदेव को उन्हें उखाड़ा नहीं है, बल्कि एक पौध के रूप में दूसरी जगह आरोपित किया है। इन्होंने तो पहले तो ये संसार को खाली योग देते थे, अब तो संसार को ये इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेतृत्व भी देंगे, एक नेता के रूप में भी ये उभरे हैं। इसलिए चाहिए कि जैसे धान वो बाली बन करके सबको ज्यादा उपज देता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो हैं इनके सहयोगी बन करके, इनके सैनिक बन करके, वैसे तो मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने 2 युद्ध भी लड़े हैं और पाकिस्तान की छाती पे मूंग दल करके आए हैं हम लोग, वो तो बात दूसरी है। लेकिन इतना अवश्य है कि हम लोग सब जितने भी हैं, जितने भी संती नहीं गृहस्थी, प्रत्येक भारतीय इनका एक सैनिक है और ये आगे बढ़े, हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। यद्यपि बात यह है कि स्वास्थ्य के ऊपर सारा होता है, मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया, नहीं तो 80 साल का नौजवान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज भी सेना में जा करके मतलब उसी प्रकार से काम कर सकता हूँ और करता हूँ समाज में। मैं गोहत्या आंदोलन में काम किया, हिंदी में काम किया। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप लोग बानर सेना की तरह, जैसे हनुमान जी और अंगद केवल 2 नेता थे परंतु सेना तो सारी काम कर रही थी, इसी तरह से भारत का बच्चा बच्चा जो है इनके साथ है, और हमें गांव गांव में जाकर के ये प्रचार करना चाहिए और इस आंदोलन को 4 चांद लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्द के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप असफल नहीं हुए हैं, बल्कि नई जगह पौधा रोपण किया गया है और आप भविष्य में अच्छी तरह मतलब इस आंदोलन में सफल होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री को प्रणाम है। और 1% लोग नकारात्मक सोचने वाले होते हैं। अगले महीने से, सितंबर महीने से जो यात्रा पहले शुरू की थी वो दोबारा शुरू होगी। पहले गुजरात से शुरू की थी, इस बार भगवान राम कृष्ण और शिव की धरती उत्तर प्रदेश से यात्रा शुरू होगी और लाखों करोड़ों लोग इस अभियान के साथ पहले भी खड़े हुए थे, आगे भी खड़े होंगे। तो यह पराजय का तो कभी हमने सोचा ही नहीं, जीवन में पराजय शब्द के बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया है। अहम इंद्रो न पराजय किया, मैं कभी पराजित होने वाला हुई नहीं। हमारे तो हर एक कार्यकर्ता के भीतर ये संकल्प है। मुझे लगता है जो नकारात्मक सोच रहे हैं वो भी सकारात्मक सोचेंगे आगे। जैसे महाराज श्री ने कहा, कजली का जहां तक प्रश्न है, करीब अभी जो हमने औषधीय प्रक्रिया में मैं जो देखता हूं, करीब 90-98% दवाइयां ऐसी जिनमें कजली का प्रयोग ही नहीं होता। महाराज जी, ये कई बार मिथ्या भ्रम फैलाया जाता है। और जो आपने जड़ी बूटियों का कहा, अभी विश्व भेषज संहिता में करीब 5,000 से ज्यादा जड़ी बूटियां और उनके गुण धर्म के बारे में ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया उसका निर्माण होगा। तो इससे आयुर्वेद के बारे में एक और नई क्रांति पैदा होगी और वह कार्य एक ऐतिहासिक कार्य श्रद्धा आचार्य श्री कर रहे हैं। तो वो कजली वाली बात में ले लेंगे क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। वैद्य जी कह रहे थे तो 10 सेकेंड बोलेंगे, 5 सेकेंड इन्होंने कहा था। कजली के बारे में जो बात आई है भ्रम उत्पन्न करने वाली है, कजली को हानि नहीं करती है। 98% जो बात स्वामी जी की बात ठीक है, हमारे लगभग 2000 रसायन बनते हैं जो कजली के योग से, पारे के योग से बनते हैं। ईर्ष्या बस एलोपैथी वाले कह रहे हैं हैवी मेटल करके बदनाम करने प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी फार्मेसी में लगभग 1 क्विंटल पारा हर वर्ष प्रयोग करते हैं और पिछले 50 वर्षों में मैंने कोई हानि होती साइड इफेक्ट होता नहीं देखा। कजली योग वही है, जिस चीज में डाल दी जाती है उसका योग को गुण को बढ़ा देती है। और इसी ईर्ष्या के वजह से, क्योंकि कजली के कारण से हम कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी रोगों का चिकित्सा करते हैं जो उनके पास नहीं है, तो उनको लगता है हमारी दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसलिए भ्रम निर्माण करते हैं। और आयुर्वेद का जो पारा का शोधन है, अत्यंत शोधन करके, पारा तो भगवान शिव का वीर है और भगवान शिव को अर्पण होता है, भगवान शिव का शिवलिंग बनाया जाता है, उसका पान किया जाता है, तो पारे को हानि नहीं है। और सोना भस्म वगैरह को भी हैवी मेटल कहते हैं, ये कोई हैवी मेटल नहीं है। लंबा विषय है, इसलिए वैद्य जी भस्म में बना दी जाती है, बिल्कुल इतनी सी बात है। सब कुछ जो इस धरती पर है सब भगवान का ही प्रसाद है और भगवान की वस्तुओं को पूरी दिव्यता के साथ प्रयोग करें तो हानि का प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करूंगा मैं केवल 1 मिनट के लिए हमारे रामानंद आचार्य पीठ के
महामंडलेश्वर स्वामी भगवान दास जी महाराज, उसके पश्चात हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज का पावन उद्बोधन होगा, उसके बाद यह सभा विश्राम को प्राप्त होगी। पूज्य स्वामी भगवान दास जी महाराज, एक मिनट के लिए। आज के इस मंच के माध्यम से जड़ी मूटी दिवस एवं बालकृष्ण आचार्य जी महाराज के जन्म दिवस पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो आंदोलन है, आश्रम परिषद अध्यक्ष होने के नाते हम आपके इस कार्यक्रम के और इस आंदोलन के साथ हैं, और कंधे से कंधा लगा करके और हम आपके साथ चलने को तैयार है। और इसी के साथ हम आपको श्री प्रकाश से गंगा मैया आपको शक्ति दे, और जो आपका कार्यक्रम है उसको भगवान जो है यश और प्राप्ति दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। गागर में सागर मरा हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भगवान दास जी महाराज ने इस मंच पे पधारे थे। निर्मल संतपुरा के परमाध्यक्ष संत महेंद्र सिंह जी महाराज अपने दलबल के साथ, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन। अब निवेदन करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाल कथा व्यास हमारी उदासीन पंचायती खड़ा के महामंडलेश्वर, जिनकी वाणी में एक अजब तेज ओज है, अपने शब्दों के द्वारा जनता जनार्दन को लाभान्वित करेंगे। पूज्य स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, समय को देखते हुए। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा जैसे आप सुबह जब पूज्य महाराज श्री योग कराते हैं, जैसे आप उस समय बैठते हैं ऐसे बैठ जाओ जा। वैसे तो हमें तो बोलना ही नहीं था, रही मन चुप है बैठी है। मैंने तो एक महीने पहले कहा था अब बोलने का समय नहीं है, अब करने का समय है। आज आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है, और ये जन्म दिवस भारत के सभी लब्ध प्रतिष्ठित संत महापुरुषों की उपस्थिति में और पूज्य रामदेव जी महाराज की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। और सारी रिपोर्ट तो आज पहले ही ये फेल हो गई, बोले रामदेव जी के यहाँ के साथ में कोई संत नहीं है, और आज हरिद्वार के सभी आश्रमों के सभी अखाड़ों के संत यहाँ विराजमान हैं। इतना बड़ा भ्रम इस देश में फैलाया जा रहा है, पीड़ा भी है, और इसीलिए हमने 4 जून को जो हुआ, मैंने उससे पहले हमने एक बात कही थी, अगर आप लोगों को जैसे हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो दक्षिण भारत से आए हैं दोनों महापुरुषों ने कहा, और उसको हमारे महामंडलेश्वर आत्मानंद जी ने कहा कि स्वामी रामदेव जी ने ऐसा बीज इस देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर बो दिया है, ये धान की जो पौंद है ये यहाँ से वहीं नहीं, ये यहाँ से जहाँ तक में पूरी फैल चुकी है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, समय पर भारत के लोग इसका उत्तर देंगे। जब भी कोई आंदोलन होता है, देखो थोड़ा सा नैराश्य आप लोगों के जीवन में नहीं, संतों के भी आया, सभी लोगों के उसमें आया, क्योंकि ऐसा भाई हम लोगों ने कभी किसी से टक्कर नहीं ली है, टक्कर लेने का काम संतों ने किया नहीं, संतों ने तो हमेशा परोपकार का काम किया, और ये भी एक बहुत बड़ा परोपकार का काम 5000 वर्ष पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, महर्षि गौतम ने जब चारों तरफ, अभी आप कृषि पंडित कह रहे थे कि अगर कुत्ता भूखा है, अगर कुत्ता भूखा है, अगर कुत्ते को रोटी नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ा अन्याय है, और एक बात और कही थी कि अगर कहीं चूहा भी बोले, गणेश जी ने चूहे को वाहन इसलिए बनाया था कि अगर चूहा भी कहीं बोले तो चूहे को भी न चूको और उसकी आवाज को सुनो, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आवाज को दबाया जा रहा है चारों तरफ से, बड़ी पीड़ा होती है। देखो भाई हमारा तो आप सब लोग जानते हैं, मैं तो अभी राजस्थान से आया हूं, हमने सोचा था कि गुप्त रहना है, मैंने तो संकल्प ले लिया कहीं जाना ही नहीं है, किसी सभा में ही नहीं जाना है। हमें इस बात का दुख होता है, जैसे एक महाशय जी ने कहा, संतों का
सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि पूजा पाठ करना, संतों का और भी काम है। 5000 वर्ष पहले महर्षि गौतम ने जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, आपका भी श्रीमद देवी भागवत महापुराण उठाना, उस महापुरुष ने अपने तप से, अपनी साधना से एक अक्षय जल का कुंड प्राप्त करके और उस जल के लिए चारों ओर लोगों को पुकारा कि आप आइए और यहाँ आकर के जल पीजिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे अक्षय जल महर्षि गौतम ने दिया था, ऐसे योग ऋषि रामदेव जी महाराज ने योग और प्राणायाम का जल पूरे भारत में नहीं विश्व में छिड़का था। लेकिन एक बात की पीड़ा होती है, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है? क्या हमारा ये धर्म नहीं है? एक बात आप बताएं, देश के साथ, कोई सरकारी खजाने के साथ, कोई देश के साथ, कहीं किसी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ एक नए पैसे का कोई ये कह दे? और आज पूरे भारत के लोग ये कह रहे हैं, पूरे भारत के लोगों में ये पीड़ा है कि साहब जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और भी तरीके थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे 5 लोग, आस्था जीवन का आधार। हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना? रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। फिर बस उनकी ऐसी जिद की वजह से हम अपना बड़ा घर, सारे ऐशो आराम गवा कर ये मोहताजी की जिंदगी जी रहे हैं। भैया कब समझेंगे ये दुनिया से उसूलों पे नहीं चलती है। परिचय नई जिंदगी के सपनों का 9 अगस्त से सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलस पर। झंडू पंचारिष्ट, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, हर पेट की समस्या का हल है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट, पेट तनातन, लाइफ तनातन। क्योंकि सत्य का पक्ष था और सत्य का पक्ष महर्षि गौतम ने लिया था। आप उसका परिणाम देखिए, जिन्होंने अक्षय जल दिया था और उस महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा दिया, इसने गौ मारी है। लेकिन एक श्लोक है शिव महापुराण में, यहां संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, अपराधम बिना तस्मै क्रुद्धता महानिरेव च, बिना अपराध के अगर हम किसी को दोष बनाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हर तटों में झाग नहीं होती, हर सपने में आग नहीं होती, ये दूसरों के दामन पर कीचड़ उछालने वालों, हर दामन पर दाग नहीं होती। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, कहीं न कहीं हम असंगठित हैं। इस देश के अंदर जब जब आंदोलन हुए, आपने महाराज जी, आत्मानंद जी महाराज, मैं आपका पड़ोसी रहा हूं पहले रानी गली में, अभी भी हैं। मैं तो, मेरे को तो नगर पालिका से बाहर कर दिया है, लेकिन आप नगर पालिका के अंदर हैं, आप गौरक्षा आंदोलन के साक्षी हैं। स्वधर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने जब गौ हत्या आंदोलन चलाया, उस गौ हत्या आंदोलन को भी कुचला गया, जिन्होंने गौ हत्या निषेध, देखो आप। उसके बाद इस देश के अंदर एक षड्यंत्र चला, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सरस्वती जी को अपमानित किया गया। उस आंदोलन में लगभग जो शंकराचार्य से जो पैदल मार, मैं भी उसमें था, हम पूरा उसमें हम रहे, पूरे वो रहे। उसके बाद जयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने बोलना छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने अपने पैर में चप्पल तक ना डाली हो, खड़ाऊं तक जिसने नहीं पहनी हो, इतना त्यागपूर्ण जीवन, और जिन्होंने इस देश में हजारों मंदिर बना करके भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य किया हो, आप देखो उनको अपमानित किया गया। देखो, लेकिन संत मान और अपमान से ऊपर उठ करके जीता है। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, रहती सदा इनके चेहरे पे लाली, करे कोई सजदा या दे कोई गाली। नहीं, आप बोलें, आपका बोलना बहुत जरूरी है और हम लोगों का चुप रहना बहुत जरूरी है। आप बोल के काम करें और देश की जनता चुप रह करके काम करेगी, इतना हमें विश्वास है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं भाई, पीड़ा सबके भीतर है, पीड़ा इस देश, दर्द इस देश की जनता के अंदर में है, दर्द संतों के अंदर में। एक दो सुझाव मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे प्रेम है, मेरी बात बुरी लगे कोई बात नहीं, हम उसमें एक आना सब संत चाहते हैं। एक बार मेरा आपसे एक निवेदन है,
सब संत कहते हैं, क्योंकि आपने जो कार्य किया है ऐसा कार्य 5000 वर्ष पहले या महर्षि गौतम ने किया था और या फिर योग ऋषि रामदेव जी ने किया, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। सब संत जोड़ना चाहते हैं, आप थोड़ा सा संतों से, क्योंकि हमारे अंदर में ये महात्माओं में हम लोगों में एक बीमारी है, क्योंकि ये बिना कहे हमको आदत है ना भोजन करना, वहीं जाना है जहां का निमंत्रण हो, ये इसको भी निमंत्रण समझते हैं, लेकिन ये कार्य देश का है, ये कार्य राष्ट्र का है और ये इतना पवित्र कार्य है और इस पवित्र कार्य का प्रारंभ हुआ है। अभी एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी आप इतिहास जो पढ़ते हैं, आप कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृषि पंडित हैं, आप देखें आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, एक समय ऐसा था केंद्र के मंत्री हमको फोन करते थे, महाराज जी आप जरा जो है वहां जा रहे हो ना तो 2 मिनट के लिए जरा हमारे लिए भी निवेदन कर देना। एक समय फोटो खिंचवाने के लिए, एक समय ये सोचते थे लोग, लेकिन कोई बात नहीं, समय आएगा, इतिहास बदलता रहता है, धर्म की परिभाषा बहुत सूक्ष्म होती है, हमने कभी विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी शिवानंद जी महाराज यहां बैठे हुए थे, जब निगमानंद जी महाराज का शरीर शांत हुआ सबसे पहले सुबह मैं गया और वहां उनको भी अपमानित करने की, मैंने अभी उनको कहा 5 मिनट बैठे, उनको कहा जा रहा था संन्यास धर्म क्या है, मैंने कहा उनको कहो कि शिव महापुराण की कैलाश संहिता को पढ़ें वो, और उसमें संन्यास के बारे में, जो व्यक्ति संन्यासी हो जाता है और उसमें संन्यास कैसे दिया जाता है, उसकी विधि क्या है, भू संन्यास क्या है, भू संन्यास क्या है, स्वसन्यास क्या है। लेकिन उसके बाद हमने सोचा अब यहाँ जमघट लगेगा, अब यहाँ फोटो खिंचवाने वाले आएंगे, अब यहाँ तरह तरह की बयानबाजी, लेकिन देखिए जो सत्य बोलता है उसके सत्य को कई बार जो है झूठ का आवरण डाल करके उसको हटाया जाता है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं और उनकी बात को आज जो है चारों तरफ प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं और पीड़ा सबके भीतर में है भाई, देखो और अभी भी हमें विश्वास है, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो कहता हूं आप सब संत लोग एक ऐसा कार्यक्रम बनाओ, हम देखो जो ये कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव जी महाराज सरकार के विरोधी हैं, गलत है, स्वामी रामदेव जी महाराज सरकार के विरोधी नहीं है, स्वामी रामदेव जी महाराज किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, स्वामी रामदेव जी महाराज जो गलत नीतियां हैं उनके विरोधी हैं, उनके विरोधी हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी जितने रामदेव जी के हैं उतने हमारे हैं, और कोई भी मंत्री हो सबके हैं, क्योंकि राजा सबका है, लेकिन राजा जब प्रजा का सामान और सम्मान सुरक्षित ना हो भैया, उस समय अगर कोई नहीं बोलेगा और हम भी अगर डरपोकता, मैंने तो पहले ये सोचा था अब तो थोड़े दिन जो है मौन ले लेना है, मैंने तो जब उत्तराखंड सरकार की सारी गवर्नमेंट थी मैंने उस दिन भी, हमने काम करने के सबके ढंग अलग अलग हैं, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अभी वेंकैया नायडू जी आए थे, उनको उन्होंने और कई, और मैं आपको बताऊं कि केंद्र की सरकार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं ये गलत हुआ, जो ये मानते हैं ये गलत हुआ, पंजाब में मैं अभी गया, जो ये मानते हैं गलत हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे भीष्म पितामह बधे हुए थे और ऐसे ही कुछ लोग बधे हुए हैं, मैं तो कहता हूं मुक्त हस्त से मुक्त कंठ से कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, क्योंकि जो कार्य इस देश के अंदर में हुआ है चारों ओर जो आवाज फैली है, हम न किसी के विरोधी हैं भैया, और हम तो ये कहते हैं समय की बात है, असत्य आज घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, सत्य सड़क पर पैदल चल रहा है, और अगर सत्य को तुमने इसी तरह से पैदल चलाया तो आप देश समाज संस्कृति कहां जाएगी, आप थोड़ा सा आप अंदर झांक करके देखें और आप पूरे गांव से लेकर के खेत गांव में जो लोग रहते हैं, किसान से लेकर के और प्रथम व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक ये कह रहा है कि स्वामी रामदेव जी का कार्य बहुत अच्छा है, तो जब स्वामी रामदेव जी का कार्य अच्छा है यही बात वो सब लोग कह रहे हैं, तो हमको अब मिल बैठ करके, मैं तो कहता हूं मिल बैठ करके, और साधु समाज देखो भाई हम तो आप सब लोग तो बड़े बड़े हैं, आप सब लोग बड़े बड़े हैं, हम तो ये मानते हैं कोई ऐसा भगीरथ निकल के आए, कोई ऐसा भगीरथ प्रयास हो इस देश के अंदर में, क्योंकि सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें समन्वय स्थापित करके और उस दिशा में काम करें। और मैं आपको बताऊं आप कोई भी अन्य आप जितने भी दलों के लोग हैं जितने भी वो हैं सब ये चाहते हैं कि भैया ये कार्य हो, तो उसमें अब समन्वय की जरूरत है। और आज आचार्य जी का जो है जन्मदिवस है और जन्मदिवस के अवसर पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस समय
चारों ओर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि राक्षस रूपी बाड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं चारों तरफ से कहीं भी राक्षस रूपी बाड़ी नहीं है। और आप देखिए कि इस देश के अंदर में जो पैदा हुए हैं, इस देश के अंदर में जिन्होंने जन्म लिया है, और हमें वही प्रमाण देने की जो है जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भैया, जो गलत लोग हैं, जो गलत हैं, अगर आपको कुछ करना है, आपको कोई जांच करानी है, आप उन लोगों की क्यों नहीं कराते जो बहुत गलत करके जो है शोषण कर रहे हैं। अरे भैया, जो पोषण में लगे हुए हैं, आप उनकी क्या जांच कराओगे, करा भी लोगे। एक बात आप सुन लीजिए, जब हम रेल में थे तब भी हम खुश थे, और इस देश में जिन्होंने क्रांति की वो जब जेल में थे वो तब भी खुश थे। शायद गीता कुटीर के जो है यहाँ उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, स्वामी गीतानंद जी महाराज, जब गौ हत्या आंदोलन हुआ पानीपत में, जब अंदर तो कैदियों को जब उन्होंने गीता पढ़ाई, जब वो जाने लगे, क्योंकि लोग फल लेकर के आते थे, और जब वो जाने लगे तो वो कहने लगे महाराज आप जल्दी जल्दी यहाँ आना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे संत महापुरुषों ने इस देश के अंदर में गौ की, इस देश के अंदर में संस्कृति की रक्षा की है। और हमारा जहाँ तक मानना है, स्वामी रामदेव जी महाराज ने कोई भी ऐसा कार्य इस देश के अंदर में नहीं किया है। ये बात वो लोग भी जानते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं, और ये सब जानते हैं जितने महापुरुष यहाँ बैठे हैं। आपके जितने आश्रम हैं, हमारा आश्रम है, हमने बेईमानी का एक पैसा हम कहीं से नहीं लाए हैं। हम लोग 10-10 12 घंटे 18-18 घंटे जो हमको समाज देता है, लेकिन एक बात बताऊं, कई चीजों की संतों को जानकारी नहीं होती है। अगर उसको ये लोग पाप समझते हैं तो उसके लिए अंदर रहना भी स्वीकार है, लेकिन संतों ने कोई अपराध नहीं किया है। संत सब एक हैं और एक थे और एक रहेंगे, और आज इस बात का प्रमाण मैंने इस बार मेरे को पहली बार प्रसन्नता हुई, पहले जब मैं कहता था, और आज महात्मा स्वतः अपनी इच्छा से रामदेव जी के संकल्प के साथ में हैं। हम उन महापुरुषों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कई लोग बोले साहब वहां तो विरक्त मंडलियां जा रही हैं। अरे ये विरक्त मंडलियां, ये संत नहीं है, ये अगर संत नहीं तो आप इनको भोजन पर अपने यहां क्यों बुलाते हैं, फिर इनको हम भिक्षा देते हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। ये सब, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये सब सेना है, ये सारी सेना है, समय आने पर जो है, और हमें विश्वास है चारों तरफ जो वातावरण बना हुआ है, अंधेरा उजालों को छलने लगा है, चिरागों से आज घर जलने लगा है, अब तो चारों ओर आप देखो भ्रष्टाचार का पेड़ फलने लगा है। मैं तुमसे झूठ की क्या बात करूं यारो, अब सत्य भी पहलू बदलने लगा है, चारों तरफ ये वातावरण बना है। आप में नैराश्य ना आए, और स्वामी जी का मुखर होना, हम लोगों का मौन होना, आप लोग मौन होकर कार्य करें, और अब ये संदेश जो है जन जन तक जाना चाहिए। कार्य का तो सबको पता है कि हमें अब आने वाले समय में हमें क्या करना है, और मैंने तब भी कहा था, भरी सभा में कहा था कि उत्तर जो है समय आने पर दिया जाता है, जब प्रश्न पत्र आता है तब उसका उत्तर दिया जाता है, जब प्रश्न पत्र आएगा और उस समय उसका उत्तर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय जीवन के लिए, और संतों के साथ तो जिस दिन साधु बने उसी दिन झंझट शुरू हो गया था, बाकी तो झंझट छोटे मोटे हैं, है ना, उसी दिन जिस दिन ये बांध लिया था उसी दिन झंझट हो गया था। कई बार हमारे कोठारी जी महाराज कहते हैं अरे महाराज आप लोग डरते हो। मैंने कहा भैया डरते इसलिए हैं, साधु ने इज्जत जो है ना बहुत ज्यादा समाज में बार बार लोगों की, एक बार IAS की IPS की परीक्षा एक बार होती है, हम लोग कितनी बार बता नहीं परीक्षा दे चुके हैं, अब कब तक हम परीक्षा देंगे, अब तो सत्य को कोई पहचाने और उस पर चले। आज कृषि पंडित यहाँ आए, और आप सब से निवेदन है, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, जैसे दक्षिण भारत का रावल योगी बद्री विशाल में आता है, बद्री विशाल की पूजा करता है, और उत्तर भारत से एक संत दक्षिण भारत में भी गए, और उस संत के कार्य की दक्षिण भारत ने भी सराहना की है, और आप रामेश्वर की पूजा करते हैं, उत्तर भारत का जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक नाथ महाराज ने तो गधे के मुंह में पानी डाला था, लेकिन रामेश्वर भगवान ने एक बात मंदिर से कही थी कि आज एक नाथ तुम्हें गर्दन नीचे करने की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुमने जो गधे के मुंह में पानी डाला वो गधे के मुंह में नहीं, वो सीधा मेरे मुंह में गया है, उस जल को मैंने पिया है, और असली पूजा दीन दुखियों की सेवा है,
गरीबों की सेवा है, किसानों की सेवा है, और आप उस कार्य में आप सब लोग लगे हैं, और आज आपका यहाँ अभिनंदन हुआ और आप महसूस कर रहे होंगे, और यह अभिनंदन एक संत ने किया, एक सन्यासी ने किया। इस मंच पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हमने नेताओं का अभिनंदन किया, हमने मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन किया, हमने सभी लोगों का अभिनंदन किया, लेकिन आज आपके अभिनंदन से हमने जिनका अभिनंदन किया था उन्होंने जो है हमारे ऊपर ही जो है डंडे शुरू कर दिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं आज हमको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और दोनों भाइयों के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आज सभी आश्रमों के सभी पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर बंद अखाड़ों के सभी संत यहाँ विराजमान हैं, और सभी समय आने पर, क्योंकि समय साथ तो तभी समय आने पर सब साथ रहे हैं, साथ थे और साथ में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बीच में खड़दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष देवपुर आश्रम से स्वामी दर्शन सिंह जी भी पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन, और सभी महापुरुषों का यहाँ पधारने पर पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ से, और आज पूज्य स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जिनका जन्म दिवस है, जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उन सबकी तरफ, दोनों की महापुरुषों की तरफ से सभी महापुरुषों का और जनता जनार्दन का हार्दिक वंदन अभिनंदन इस मंच के माध्यम से, और सभी मीडिया के भाइयों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जो मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं उनका भी संस्थान की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन, और सभी महापुरुषों की तरफ से पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए, जैसा कि महापुरुषों ने कहा कि सभी ने अपनी शुभकामनाएं कि स्वामी जी महाराज एक गंगा निकली थी गंगोत्री से चल करके गंगा मुख तक, गंगा सागर तक गई थी, आपने इस भारतीय संस्कृति संस्कारों की गंगा को, आयुर्वेद की गंगा को, योग की गंगा को, लोक को एक अध्यात्म की गंगा को, जो इस त्रिवेणी को आपने उत्तराखंड से प्रवाहित करते हुए केवल गंगा सागर तक ही नहीं अब तो विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है, आपके इस अभियान के साथ, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ, एक नहीं जैसे राम जी के सेतु निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी ने भी साथ दिया था, इसीलिए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा संत आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम पूर्णमदः। श्रद्धेय आचार्य के लिए आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, आचार्य श्री के आशीर्वाद उद्बोधन के बाद आज के कार्यक्रम का ये समापन होगा, और इसके बाद एक सत्र का दूसरा सत्र जो है वो भोजन प्रसाद के बाद दूसरा सत्र परिधि विशेष कार्यक्रम, जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं परिधि समूह के लोग, वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पूज्य महाराज जी ने एक बात कही, बस उस एक वाक्य को मैं कह करके, मुझसे कई देश के शीर्ष नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कई पत्रकारों ने कहा, बाबा यदि आप एक तारीख को जब चार कैबिनेट मिनिस्टर किसी दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेने के लिए भी उसके सम्मान में नहीं जाते, आपके चरणों में तो सारी सरकार झुकी पड़ी थी, उसने शीर्षासन कर दिया था, उस समय आप मान गए होते तो आपकी तो देवताओं की तरह पूजा होती पूरे देश में। मैंने कहा जिस पूजा से मेरे देश और देशवासियों को कुछ नहीं मिलता हो, वो एक दो चार नहीं, वो सैकड़ों कैबिनेट मिनिस्टर भी सम्मान करें वो स्वीकार नहीं, जिससे देश को कुछ ना मिलता हो। मेरी पूजा से मुझे क्या चाहिए, देश को जिससे कुछ मिलता हो वहां मुझे अपमान भी सहना स्वीकार है। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के साथ अभी के कार्यक्रम का समय। परम श्रद्धेय स्वामी जी सहित परम श्रद्धेय वंदनीय संत चरणों में वंदन नमन प्रणाम, और पूज्य मंडलीगण संतों के चरणों में वंदन, और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी सभी का वंदन करते हुए मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की शुभकामना से, जिस अभियान को हमने प्रारंभ किया है उस अभियान को
आपकी ऊर्जा ने गति दी है, आपकी ऊर्जा हमारे साथ सतत है, तो उस कार्य में कभी भी किसी भी तरह से गति में न्यूनता नहीं आएगी। उस गति को हम निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि विघ्न के भय से कार्य का नाम किमद्य आपतिष्यति। मृत्यु से बढ़कर के अंतिम कोई सत्य नहीं है, हम तब तक के लिए भी तैयार हैं, उसके बाद में फिर जन्म लेकर के भी इसी काम को हम करने वाले हैं। और आज जिन विद्वत जनों का सम्मान हुआ उनका भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्होंने आकर के कृपा की। पुनः सभी पूज्य संतों का मैं बहुत ही हृदय से आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी कृपा है, आप सबका साथ है कि हम इस अभियान में अहर्निश अग्रसर हैं। और आप सब प्रसाद ग्रहण करके हमारे ऊपर कृपा करके जाएंगे। 2:30 बजे यहाँ एक बहुत ही दिव्य भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, लगभग 1 घंटे के लिए। जितने भी हमारे संस्था के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, और जितने भी पूज्य संतगण, जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने रह सकते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करके 2:30 बजे लगभग आप यहाँ पर अवश्य पहुँचें, जिससे कि उस भव्य कार्यक्रम का आनंद आप ले सकें। और आज इस अवसर पर हरिद्वार से पधारे हुए सभी हमारे मीडिया के भाई, जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं देश और दुनिया में और देश के बहुत सारे भागों में, जो आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जहाँ लाखों लाखों जड़ी बूटियाँ आज भाई बहन वृक्षारोपण पौधारोपण कर रहे हैं, उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सड़क पर भी हमारे स्वयं सेवावर्ती भाई जड़ी बूटियां प्रदान कर रहे हैं सभी लोगों को, वहां से भी जड़ी बूटियां आप लेकर के जाएं, अपने घर में लगाएं। जड़ी बूटियां साक्षात जागृत देवता हैं, उनका आप सम्मान करें, जिससे कि आपको जीवन मिलेगा। हाँ, परम पूज्य निवृत्तमान शंकराचार्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी की ओर से भी अभी हमें आशीर्वाद प्रदान हुआ है। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। महाराज जी के चरणों में भी वंदन, और आप सबके चरणों में पुनः वंदन, नमन और प्रणाम। ओम। प्रेस क्लब के अध्यक्ष की तरफ से भी आचार्य जी के प्रति शुभकामनाएं।